यस पीपील गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनू गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है? सब लोग लो, होप्स आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती थी कि सर आपने इतने सारे रिविजन लेक्चर डाल जिस दिया जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग डाल दिया डी टी डब्लू डाल दिया इक्वलाइजन लेवी डाल दिया बार वाला टॉपिक डाल दिया इस बार तो वो फॉरन टैक्स क्रेडिट है वो भी डाल दिया उसके बाद में एक रूल दे रखा है कन्वर्जन वाला इंडियन करेंसी में वो भी डाल दिया सर नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का रिविजन लेक्चर कब आ रहा है तो मैंने सोचा जो पुराना वाला लेक्चर है वही आप देख लोगे बट आप लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रहे थे तो चलो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन को रिवाइज करा लेते हैं और नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन को जो रिवाइज करा रहे हैं उसमें पुराने लेक्चर का भी कुछ पार्ट रहेगा बट जहां जहां पे अमेंडमेंट है उसको मैंने फ्रेश रिकॉर्ड किया है और ये आपके लिए अभी स्टार्ट करते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का रिवीजन लेक्चर

लेकिन अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो पर्सन क्या बन जाएगा नॉन रेजिडेंट अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट बन गया तो आप उसको इग्नोर कर दो आगे आपको देखने की जरूरत नहीं टू बाय ऑयल तेल लेने गया गया अगर कोई नॉन रेजिडेंट बन तो लेकिन अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बन जाता है तो आपको चेक करना पड़ेगा वो person, वो पर्सन इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहां एडिशनल कंडीशन है आर टू एडिशनल एडिशनल कंडीशन कंडीशन और फर्स्ट क्या बोलती है रेजिडेंट इन इंडिया फॉर टू प्रीवियस और मोर इन लास्ट टाइम

बोथ द एडिशनल कंडीशन आर सेटिस्फाइड क्योंकि यहां पे वर्ड है वो एंड यूज हुआ है तो अलॉन्थ एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन अदरवाइज वो पर्सन आर बट एन ओ आर बन जाएगा तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना देर आर टू बेसिक कंडीशन फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है स्टे इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर और सेकंड बेसिक कंडीशन स्टे इन इंडिया फॉर सिक्सटी डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्स डेज और मोर इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर ये दो बेसिक कंडीशन में से इफ एनी वन बेसिक कंडीशन

जब भी आप नंबर ऑफ डेज निकालते हैं ना तो नंबर ऑफ डेज के लिए हमेशा ध्यान रखना जिस दिन जिस पर्टिकुलर डे पे कोई पर्सन कोई इंडिविजुअल इंडिया में एंटर होता है या जिस दिन इंडिया छोड़ के वो जाता है वो दोनों दिन इंडिया में कंसिडर किए जाएंगे बोथ डेज विल बी ट्रीटेड एज स्टे इन इंडिया तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आज के दिन कोई पर्सन है वो इंडिया में आया तो आज का दिन इंडिया में माना जाएगा और अगर मान लो कोई पर्सन है वो कल इंडिया से गया वापस तो कल का दिन है वो भी इंडिया में माना जाएगा अब एक चीज समझना ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन देर आर थ्री एक्सेप्शनल केसेस जहां पर आपको यह सेकेंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है देर आर थ्री केसेस जिसमें आपको यह सेकेंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है ओनली यू हैव टू चेक दिस फर्स्ट बेसिक कंडीशन मीन फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो रेजिडेंट अदरवाइज नॉन रेजिडेंट कितने केसेस थ्री केसेज थ्री केसेज में यह जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है ना इसके ऊपर आपको काटा मारना है इसको आपको देखने की जरूरत नहीं सर कौन कौन से यह थ्री केसेज है सबसे पहला अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है करंट प्रीवियस ईयर में फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया ना एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब होता है इंडिया के बाहर या तो जॉब करने के लिए जा रहा है इंडिया के बाहर कोई बिजनेस करने के लिए जा रहा है इंडिया के बाहर कोई प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको अपन बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया तो उसके लिए आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं फर्स्ट बेसिक कंडीन सेटिस्फाइड हुई तो रेजिडेंट अदरवाइज नॉन रेजिडेंट सेकेंड इफ कोई इंडियन सिटीजन है वो क्रू मेंबर है ऑफ अ इंडियन शिप और लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इस प्रीवियस ईयर में वो इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उस केस में भी सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है सेकंड क्या है इंडियन सिटीजन इज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप और वो इंडिया छोड़ के करंट ईयर में जा रहा है करके ठीक है तो उस केस में सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं और तीसरा अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन मीन एनी पर्सन जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का भी जन्म है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में से आइदर कोई भी है वो बॉर्न हुआ था अनडिवाइडेड इंडिया में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश बिफोर 1947 उसको मैं बोलूंगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है वो इंडिया में आ रहे हैं मीन्स वो आउटसाइड इंडिया है वो काम करते हैं जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं लेकिन वो इस साल में इंडिया में आ रहे हैं फॉर अ विजिट के लिए और उनका जो टोटल इनकम है फॉरन सोर्स के इनकम को छोड़ के उनका जो टोटल इनकम है वो अपू फिफ्टीन लैक इनवी सिर है तो उस केस में बेटा आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन है ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना

क्रू अमेम्बर ऑफ द शिप एंड तीसरा पर्सन कौन है इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन जो इंडिया के बाहर है और वो इंडिया में क्या आ रहे हैं विजिट के लिए आ रहे हैं और उनका जो टोटल इनकम है अदर देन सोर्स का इनकम है दैट इज नॉट मोर देन द फिफ्टीन लाख रुपीज मीन इट इज अपू फिफ्टीन लैख रुपीज तो उसके केस में आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन है ये सेकंड बेसिक कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना अगर आपका यहाँ पे टोटल इनकम फिफ्टीन लेख से ज्यादा है तो क्या होगा आपका जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा क्योंकि सर आप यहां पे क्या बोल रहे हो कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है जो आउटसाइड इंडिया है और वो इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए और उसका टोटल इनकम टू फिफ्टीन लैक है अप टू फिफ्टीन लेक है तो, तो आपको यह सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर 15 लाख से ज्यादा है ना तो आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी और इसमें क्या करना पड़ेगा यहां 60 डेज की जगह आपको 120 डेज है वो सब्सिट्यूट हो जाएगा 60 डेज की जगह आपका 120 120 डेज है वो आपका सब्सिट्यूट हो जाएगा मींस आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन हो जाएगी दैट इज एस्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर ये आपकी सेक्शन यहां पर बन जाएगी गॉट माई पॉइंट और नॉट यस तो देखो बेटा एक बार वापस से मैं बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना थ्री केसेस जहां पर आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन है ना ये सेकंड बेसिक कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं है कौन कौन से इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस एस ए क्रू में ऑफ द इंडियनशिप इंडियन सिट इज अर्सन ऑफ इंडियन रिजन दे क्स इन इंडिया फॉर अजिट एंड देर टोटल इनकम इज टू फिफ्टी लैक तो सेकेंड बेसिक कंडीशन देने की जरूरत नहीं है बट टोटल इनकम इज मोर देन फिफ्टीन लैक है तो so, आप सेकंड बेसिक कंडीशन देखेंगे बट इन सेकेंड बेसिक कंडीशन इंस्टेड ऑफ सिक्स डेज यहां पर वन ट्वेंटी डेज हो जाएगा अब एक और चीज समझता यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है या अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं उनका टोटल इनकम मोर देन फिफ्टीन लैक है और फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई सेकेंड बेसिक कंडीशन देखने का है सेकेंड बेसिक कंडीशन में आप यहां पे 120 डेज देखते हैं अगर सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में फिर आपको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज आर बट एन आर ट पर्सन विल बी ट्रीटेड आर बट एन ओवर मीन वो पर्सन आपका रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिरी रेजिडेंट माना जाएगा यहां पर आपको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं तो मैंने क्या बोला देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन और इंडियन सिटीजन दे कम्स इन इंडिया फॉर अजिट एंड दे आर टोटल इनकम अदर देन फॉरन सोर्स का इनकम इज मोर देन फिफ्टीन लैक्स तो आपको यह सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करना है वन ट्वेंटी डेज सब्सिडीड हो जाएगा इन स्टेड ऑफ दिक्सटी डेज और यहां पर अगर सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई

द सेक्शन सिक्स वन करके और ये सेक्शन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना ये सेक्शन बोलती है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन सबसे पहली चीज सेबल कोई पर्सन है, है और इंडियन सिटीजन है एंड टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन अदर देन फॉर सोर्स इनकम इज मोर फिफ्टीन लैक ड्यूरिंग द प्रीवियस एनी पर्सन इज इंडियन सिटीजन अगर इंडियन सिटीजन है एज पर सेक्शन सिक्स वन जो अपन ने देखी थी वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है समझने की कोशिश करना अगर कोई पर्सन है वो इंडियन सिटीजन है और उसका जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम इज मोर देन लैख टोटल इनकम इज मोर देन फिफ्टीन टू है इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा वो इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा इफ इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर एंड ही इज ऑलवेज बी ट्रीटेड एस रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट यहां पर सेक्शन आती है सिक्स वन एट इज रिलेटेड टू द डीम्ड रेजिडेंसी यह सेक्शन क्या बोलती है कि कोई है, पहली चीज दिसन एस एप्लीकेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन इफ इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया का रेजिडेंट डायरेक्टली नहीं बना सिक्स वन के हिसाब से इंडिया का रेजिडेंट नहीं है बट इंडियन सिटीजन है और उसका टोटल इनकम मोर देन फिफ्टीन लैक देन फॉर सोर्स का इनकम एंड ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू हिज डोमिसाइल ड्यू टू हिज रेजिडेंसी और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलर नेचर इन दैट केस दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज डीम टू बी आर बट एन ओ आर ऑफ इंडिया वो इंडिया का रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट माना जाएगा एक एक्साम्पल लेते हैं जैसे मान लो एक इंडियन सिटीजन है वो दुबई में जॉब कर रहा है दुबई में टैक्स लगता नहीं है इज नॉट लाइबल टू पे द टैक्स इन दुबई तो दुबई का में कोई वगैरह कुछ होता ही नहीं है तो वो वहां का रेजिडेंट नहीं है और लेकिन अगर इंडिया से उसका इनकम मोर देन तो उसको इंडिया का डीम टू भी रेजिडेंट है वो डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस बट एक क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि सर लाइबल टू टैक्स का मीन्स क्या होता है लाइबल टू टैक्स का मीन्स किसी भी कंट्री में उस पर अगर टैक्स लगता है ड्यू टू द रेजिडेंसी दैट इज कॉल लाइबल टू पे टैक्स अब एक चीज समझना बहुत बार क्या होता है किसी कंट्री में टैक्स तो लगता है

फॉरेन बाउंड शिप का मतलब क्या होता है ऐसी शिप जिसका डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है जैसे इंडिया से यूएसए कोई शिप जा रही है इंडिया से रशिया कोई शिप जा रही है दैट इज कॉल्ड फॉरेन बाउंड शिप तो उस केस में उसका सर पीरियड ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया नंबर ऑफ डेज स्टे आउटसाइड इंडिया कैसे निकालेंगे तो यहां पर लॉ मेकर्स यह बोलता है कि उसमें क्या होता है कि उसका एक ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है उसका एक ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है जिस दिन वो शिप को ज्वाइन करता है और जिस दिन वापस से वो शिप को छोड़ के आता है ये दोनों दिन और उसके बीच में जितने भी डेज है that days will be treated as outside India. तो मैंने क्या बोला समझने की अगर कोई इंडियन सिटीजन है, है, मतलब है जिसका डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर होता है that is called foreign bound ship. अब एक समझना, क्या हो रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसका नाम है राम राम क्या कर रहा है किसी क्रू में शिप का और वो यहां से यूएसए जा रहा है उसने आज मान लो मुंबई

एच के जो भी अफेयर्स है वो मैनेज और कंट्रोल कहां से होते हैं मीन एच के जो अफेयर्स है वो अगर मैनेज एंड कंट्रोल होली और पार्टली इन इंडिया है या तो फुल्ली और पार्टली इन इंडिया तो एच रेजिडेंट बन जाएगा अदरवाइज एच नॉन रेजिडेंट बन जाएगा फुल्ली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट और अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट बन जाएगा अब एक चीज समझना एच यूएफ अगर रेजिडेंट बन गया तो आपको चेक करना पड़ेगा एच यूएफ आर एंड ओ आर है या फिर आर बट एनआर है वो कैसे पता चलेगा वो पता चलेगा आपको एच यूएफ के करता से और आपको देखना पड़ेगा कि करता क्या दोनों एडिशनल कंडीशन सिक्स सिक्स की सेटिस्फाइड करता है यानी एक करता सेटिस्फाइड बोथ द एडिशनल कंडीशन ऑफ सिक्स सिक्स और बोथ द एडिशनल कंडीशन सिक्स की कौन सी रहती है दट इज द रेजिडेंट इन इंडिया फॉर टू प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट टेन प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज और मोर इन लास्ट सेवन प्रीवियस ईयर अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिसफाइड होती है अलॉन्ग विद अलॉन् विदयूएफ का लाइक होली एंड पार्टी मैनेज और कंट्रोल इन इंडिया तो एच यू एफ बन जाएगा रेजिडेंट एंडली रेजिडेंट अदरवाइज एच यूएफ क्या बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट समझने की कोशिश करना सबसे पहली चीज ये है कि एच यूएफ का अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना पड़ेगा अगर फुली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट अरवाइज नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बन गया तो गोज टू बाय ऑयल तेल लेने गया लेकिन रेजिडेंट बन गया तो यू हैव टू चेक दट आर एंड ओ आर बट एन ओ आर ए आपको देखना पड़ेगा करता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिसफाइड करता है यानी करता additional condition. In that case, HUF will be the R and OR. Otherwise, HUF will be R but NOR. Next part आता है कि sir firm AOP BY local authority and artificial juridical person. इनका residential status कैसे देखेंगे? इनका residential status भी आपके control और management से पता चलेगा. और control और management if partly or fully in India है तो resident. Otherwise, non-resident. इनके case में वो R and OR, R but NOR नहीं होता. ये R and OR, R but NOR है वो सिर्फ individual HUF के case में होता है. बाकी किसी के case में नहीं होता. Now we are going to start with the residential status of the company. कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखेंगे तो कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट आता और एग्जाम में सिक्स सिक्स मार्क्स के एट मार्क्स के क्वेश्चन है वो यहां से पूछे जाते हैं यहां पर आपको ध्यान देना है ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी सर कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे तो उसके लिए दो तरह की कंपनी होती है एक होती है इंडियन कंपनी एक होती है कंपनी सबसे पहले मैं बात करूं इंडियन कंपनी इंडियन इंडियन कंपनी कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट होती है ना वो हमेशा रेजिडेंट होती है ऑलवेज रेजिडेंट होती है एग्जाम्पल के लिए रिलायंस है टाटा है बीबी वर्चुअल है ये जितनी भी कंपनियां है ये इंडियन कंपनी है आर ऑलवेज रेजिडेंट बट अगर मैं बात करूं फॉरन कंपनी की तो फॉरन कंपनी के लिए आपको देखना पड़ेगा फॉरन कंपनी का पोयम कहां पे है अगर फॉरन कंपनी का पोयम इन इंडिया है तो वो फॉरन कंपनी की इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी तो देखो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट फॉरेन कंपनी डिपेंड करेगा कि उसका प्वम कहां है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहां पे है अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो इंडिया में है प्वम इंडिया में है तो उस केस में फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन जाएगी अदरवाइज फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट बन जाएगी लेकिन क्वेश्चन यहां पे आता है कि सर प्वम कैसे पता चलेगा तो पोएम के लिए सीबीडीटी के कुछ सर्कुलर है और वो सर्कुलर के बेसिस पे पता चलेगा कि फॉरेन कंपनी का पोयम कैसे देखा जाएगा एक चीज समझना अभी से लेके और नेक्स्ट अप्रोक्स मिनट्स तक जो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो सिर्फ फॉरेन कंपनी कंपनी से से रिलेटेड रिलेटेड है तो ये ध्यान रखना यहां इंडियन डिस्कशन नहीं कर रहा हूं इंडियन कंपनी आपकी हमेशा रेजिडेंट मानी जाती है मैं फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूं तो फॉरन कंपनी से रिलेटेड आपको यहां पर पोयम देखना पड़ेगा और पोयम बेसिस पे वो पेसिडेंट या नॉन रेजिडेंट देखी जाएगी तो अगर पोयम इंडिया में है तो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन जाएगी पोयम इंडिया के बाहर है

करवा रहा हूं और ये गाइडलाइंस क्या है अब आपका ध्यान पूरा इधर होना चाहिए तो देखो बेटा लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर फॉरेन कंपनी का पोयम कहां है उसके लिए आपको एक काम करना है सबसे पहले दो चीजें देखनी है पहली चीज अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल होता है फर्स्ट चीज फर्स्ट स्टेप एबीआई टेस्ट फुलफिल होता है एबीआई मींस एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड सेकंड कंडीशन मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग है वो मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग है वो आउटसाइड इंडिया होता है Means अगर दो कंडीशन है एक तो एबीआई टेस्ट फुलफिल होता है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया और एक मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग है वो इंडिया के बाहर होती है तो उस कंपनी का पोयम इंडिया के बाहर माना जाएगा और जब इंडिया के बाहर माना जाएगा तो उस केस में वो कंपनी क्या बन जाएगी नॉन रेजिडेंट बन जाएगी तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना वापस से ये दो लाइन बोल रहा हूं सबसे पहले आपको यह देखना है कि उसका एबीआई टेस्ट फुलफिल होता है या नहीं एंड सेकंड कंडीशन मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हो रही है नहीं अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल होता है और जो मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग है उस केस में उसका जो पोयम है ना वो पोयम इंडिया के बाहर माना जाएगा क्या माना जाएगा पोयम जो है वो इंडिया के बाहर माना जाएगा मीन इंडिया के लिए वो कंपनी नॉन रेजिडेंट हो जाएगी सबसे पहली चीज मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होती है इसका मतलब क्या हुआ एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे सिंगापुर एक कंपनी है जिसका नाम है सिंगापुर कंपनी फॉर एन एग्जांपल वहां एक कंपनी है उसने क्या किया पूरे साल में सपोज फाइव बोर्ड मीटिंग की आउट ऑफ फाइव बोर्ड मीटिंग टू बोर्ड मीटिंग इंडिया में की टू बोर्ड मीटिंग सिंगापुर में की और वन बोर्ड मीटिंग मॉरिशस में की एक बात बताइए मुझे आउट ऑफ फाइव थ्री मीटिंग इंडिया के बाहर हुई तो ये एक टेस्ट कंप्लीट हो गया दैट इज द मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हुई है दूसरी कंडीशन यह है कि उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए एबीआई टेस्ट फुलफिल होना चाहिए लेकिन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होता है पता है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मीन अगर फोर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो मैं मानूंगा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है फोर कंडीशन कौन कौन सी सबसे पहली कंडीशन लाइक उस कंपनी का पैसिव इनकम शुड बी अप टू फिफ्टी ऑफ द टोटल इनकम अप टू 50 परसेंट ऑफ द टोटल इनकम मीनस इट शुड नॉट बी मोर देन ऑफ टोटल इनकम है ना होना चाहिए में लोकेटेड होनी चाहिए उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय है ना उन एम्प्लॉय में से लेस देन फिफ्टी परसेंट एम्प्लॉय है वो इंडिया में लोकेटेड होने चाहिए सिचुएटेड होने चाहिए

पैसिव इनकम शुड बी अप टू 50 परसेंट ऑफ द टोटल इनकम टोटल इनकम में पैसिव इनकम शुड बी अप अपू 50 परसेंट ओनली इट शुड नॉट बी मोर देन द 50 परसेंट कंडीशन लेस देन 50 परसेंट असर्ट लोकेट इन इंडिया स देन फिफ्टी परसेंट एम्प्लॉय आर इन इंडिया और अ रेजिडेंट इन इंडिया एंड जो भी इंडियन एम्प्लॉय उनका जो पेरोल एक्सपेंडिचर है वो टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर के फिफ्टी परसेंट से कम होना चाहिए अगर ये चारों कंडीशन सेटिसफाइड हो जाती है तो मैं बोलूंगा कि उस कंपनी का एबीआई टेस्ट फुलफिल हो रहा है तो देखो अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल होता है एंड मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होती है तो वो कंपनी क्या बन जाएगी उसका पोएम इंडिया के बाहर माना जाएगा कंपनी है वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट बन जाएगी लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर आप एक बात बताइए आप बोल रहे पैसिव इनकम शुड बी अपू 50% परसेंट ऑफ टोटल इनकम बट क्वेश्चन आता है पैसिव इनकम किसको बोलेंगे तो गाइस पैसिव इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो बिजनेस की इनकम को छोड़ के जो बिजनेस की इनकम को छोड़ के जो इनकम होती है दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम जैसे आपको रॉयल्टी की इनकम हुई रॉयल्टी की इनकम है या फिर आपका डिविडेंड का इनकम है कैपिटल गेन का इनकम है इंटरेस्ट का इनकम है या रेंटल का इनकम है मैंने क्या बोला रॉयल्टी का इनकम है डिविडेंड का इनकम है कैपिटल गेन का इनकम है इंटरेस्ट का इनकम है या फिर रेंटल इनकम है ये तुम्हारी पैसिव इनकम मानी जाएगी लेकिन एक चीज समझना अगर किसी का मनी लेंडिंग बिजनेस है 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 जिनका बैंकिंग बिजनेस या फिर लाइक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उनके लिए इंटरेस्ट का इनकम है वो कौन सी इनकम हो जाएगी एक्टिव इनकम हो जाएगी उनके लिए वो एक्टिव इनकम हो जाएगी तो देखो सबसे पहली चीज क्या पैसिव इनकम का मतलब क्या तो पैसिव इनकम का मतलब होता है कि या तो आपको रेंटल इनकम है या फिर आपका कैपिटल गेन है या फिर आपका इंटरेस्ट है रॉयल्टी है या है तो इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंट कैपिटल गेन और

इनकम कितनी है इनकम आप लेंगे वो सिंगापुर के टैक्स लॉ के हिसाब से लेंगे लेकिन एक चीज समझना अगर सिंगापुर में टैक्स लॉ ऐसा कोई इनकम कंप्यूटेशन का रूल ही नहीं है हो सकता है इनकम टैक्स ही नहीं है

कैसे लेंगे असेट की वैल्यू तो असेट की वैल्यू के लिए दो तरह की असेट है, उनके लिए आप बुक वैल्यू ले लीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे देखेंगे क्योंकि जितने भी आपके टोटल एम्प्लॉय है उसमें लेस देन फिफ्टी परसेंट एम्प्लॉय है वो इंडिया में होने चाहिए तो टोलॉयो एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे देखेंगे आपको क्या करना पड़ेगा आपको यह देखना पड़ेगा ईयर के स्टार्टिंग में कितने में और एंड में कितने थे आप उनका एवरेज ले लीजिए जैसे फॉर एन एग्जांपल स्टार्टिंग में 500 एम्प्लॉय थे और लास्ट में 700 एम्प्लॉय है तो उस केस में आपका एवरेज कितना आ गया 600 एम्प्लॉय है वो आपका एवरेज आएगा उसमें से आप देखेंगे इंडिया में एम्प्लॉय कितने हैं इंडिया के जो एम्प्लॉय है वो लेस देन 50% एम्प्लॉई है वो इंडिया में लोकेटेड होनी चाहिए अब एक चीज समझना इसमें क्या होता है बहुत बार ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं लेकिन वो काम वैसा ही करते हैं जैसे आपके रेगुलर वर्कर करते हैं बहुत बार जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं आपके पास से लेकिन काम वैसा ही करते हैं जो रेगुलर वर्कर करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी हम एम्प्लॉय में लेंगे आंसर इज यस दैट विल ऑल्सो भी कवर्ड इन योर नंबर ऑफ एम्प्लॉय उनको भी आपको एम्प्लॉय की डेफिनेशन में लेना पड़ेगा सर पेरोल के एक्सपेंडिचर का अपन क्या करेंगे तो पेरोल की कॉस्ट में जितना आपका कॉस्ट लग रहा है जितना आपने एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए जितना भी खर्चा किया दैट इज कॉल योर पेरोल एक्सपेंडिचर तो देखो अभी तक जो मैंने पढ़ा है। उसको मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं और उसके फिर आगे बढ़ते हैं तो देखो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी अगर फॉरेन कंपनी का पोम इंडिया में है पोम का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कैसे देखेंगे तो उसके लिए आपको यहां पर गाइडलाइंस दे रखी है वो गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा तो फॉरन कंपनी के लिए आपको देखना पड़ेगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है टू कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पोयम आउटसाइड इंडिया माना जाएगा और वो कंपनी इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी कौन कौन सी दो कंडीशन सबसे पहली मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन एबीआई टेस्ट फुलफिल होना चाहिए एबीआई टेस्ट फुलफिल कैसे होगा जब चार कंडीशन 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 सेटिस्फाइड होगी फोर फर्स्ट इनकम शुड बी अप टू चारेंट ऑफ द टोटल इनकम सेकंड कंडीशन लेस देन लोकेटेड इन इंडिया और लेस देन लेसेंट एम्प्लॉय आर सिचुएटेड इन इंडिया और रेजिडेंट इन इंडिया एंड जो भी इंडियन एम्प्लॉय उनके लिए जो टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर है उसका लेस देन फिफ्टी पेरोल एक्सपेंडिचर है वो इंडियन एम्प्लॉज के लिए होना चाहिए अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो कंपनी का एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया और अगर मेजोरिटी मीटिंग इंडिया के बाहर होती है तो वो कंपनी का पोएम इंडिया के बाहर माना जाएगा और वो कंपनी इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट बन जाएगी लेकिन सर एक बात बताइए यहां पे पैसिव इनकम में कौन-कौन सी इनकम आएगी तो देखो एक तो तुम्हारा रेंटल इनकम आ जाएगी कैपिटल गेन आ जाएगा इंटरेस्ट है डिविडेंट है रॉयल्टी है वो तुम्हारे पैसिव इनकम में आएगी लेकिन ध्यान रखना अगर बैंकिंग कंपनी है या पीएफए है तो उसके लिए इंटरेस्ट है वो एक्टिव इनकम बन जाएगी दूसरी चीज आप कोई भी गुड्स है वो परचेस एंड सेल्स अगर दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज से को होता है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा वो तुम्हारा पैसिव इनकम हो जाएगा इनकम के केस में आपको फॉरेन के टैक्स लॉ के हिसाब से लेना है अगर वहां टैक्स लॉ ऐसा कंप्यूट करने का नहीं बोलता तो उस केस में वहां का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके हिसाब से आपको इनकम लेना है उसके बाद में अटेट की वैल्यू कैसे लेंगे डेप्रिशिएबल अट के लिए ओपनिंग क्लोजिंग डब्लू डीवी का एवरेज लेंगे और जो तुम्हारी अदर असट है उसके लिए आप बुक वैल्यू ले लेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में कितने थे एंड में कितने एम्प्लॉय थे आप उसका एवरेज ले लीजिए स्टार्टिंग में कितने थे एंड में कितने थे आप उसका एवरेज ले लीजिए ले लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनको भी आप इंक्लूड करेंगे और पेरोल एक्सपेंडिचर के लिए जितना आपने एम्प्लॉय के लिए कॉस्ट इंकर किया वो तुम्हारा पेरोल एक्सपेंडिचर हो जाएगा अब एक और चीज समझता अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई एबीआई टेस्ट भी फुलफिल हो रहा है मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग भी इंडिया के बाहर हो रही है तुम्हें बोलो पूयम इंडिया के बाहर है लेकिन एक चीज समझना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना वो अगर एक्सरसाइज नहीं करता है उस अपना पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना वो एकदम पंगू हो गया उसके पास कोई डिसीजन लेने का पावर ही नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया मोर देन बोर्ड ऑफ मोर देन लाइक फिफ्टी परसेंट मोर देन मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हो रही है एबीआई टेस्ट भी फुलफिल हो गया लेकिन तो भी बोर्ड अगर अपना काम नहीं कर रहा है बोर्ड जो है बोर्ड के पास कोई पावर ही नहीं है एक्सरसाइज पावर नहीं करता है कोई डिसीजन मेकिंग का पावर वो बोर्ड के पास नहीं है तो लॉ मेकर्स यहां पर यह बोलते हैं कि उस केस में फिर उस केस में फिर उस केस में अगर बोर्ड अपना काम नहीं कर रहा है बोर्ड एक्सरसाइज नहीं कर रहा है पावर लेकिन इंडिया में बैठा कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है या इंडिया की होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज कर रही है तो उस केस में उसका पोयम इंडिया में माना जाएगा इवन दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई थी तो देखो मैंने क्या बोला एबीआई टी बोर्ड मीटिंग भी इंडिया के बाहर है है लेकिन जो बोर्ड ना वो अपना काम कर ही नहीं रहा है बोर्ड के पास डिसीजन मेकिंग का पावर ही नहीं है मेजर डिसीजन है वो इंडिया से लिए जा रहे हैं इंडिया में कोई पर्सन बैठा है वो ले रहा है या इंडिया की होल्डिंग कंपनी ले रही है तो उसके पोयम इंडिया में माना जाएगा इवन दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई लेकिन एक बात समझना बहुत बार क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो वो क्या करते हैं कि अपनी जो होल्डिंग कंपनी की कुछ जनरल और ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है ग्लोबल पॉलिसी के वो फॉलो करते हैं जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया की एक होल्डिंग कंपनी है अदानी अदानी की सब्सिडरी कंपनी पूरे वर्ल्ड में अब वो सब्सिडरी कंपनियां क्या करती है कि जो होल्डिंग कंपनियों ने कुछ ऐसे फंक्शन डिसाइड किए हुए हैं वो एज इट इज फॉलो करते हैं जैसे कि पेरोल फंक्शन है अकाउंटिंग फंक्शन है एच फंक्शन है आई इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शन है नेटवर्क प्लेटफॉर्म है सप्लाई चेन है रूटीन बैंकिंग ऑपरेशन है ये जो फंक्शन होते हैं वो ग्रुप के फंक्शन होते हैं जो हर कंपनी ऐसे ही फॉलो करती है तो क्या वो

यहां पे जितनी भी चीजें अपन ने देखी जैसे अपन क्या कर रहे थे टेस्ट फुलफिल करने के लिए चार कंडीशन थी पहला क्या था कि तुम्हारा पैसिव इनकम शुड बी अप टू 50 परसेंट ऑफ टोटल इनकम लेस देन 50 परसेंट लोकेटेड इन इंडिया एंड ऑल सर एक बात बताओ ये जो देखते हैं ये कौन से ईयर का डेटा लेते एक तो आपको करंट ईयर का डेटा लेना है लेकिन एक चीज समझना यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर लास्ट टू ईयर्स का डेटा भी आपके पास अवेलेबल है तो आपको क्या करना है थ्री इयर्स के डेटा का एवरेज लेना है जैसे एक बात बताओ यहां पे इनकम आपकी करंट ईयर के लिए फिर लास्ट ईयर के लिए और लास्ट टू लास्ट ईयर के लिए मिस तीन साल की इनकम है फिर उसका एवरेज लेके और फिर आपको देखना पड़ेगा मीस आपको थ्री ईयर का डेटा लेना पड़ेगा करंट ईयर का डेटा एंड लास्ट टू ईयर का डेटा और उसके बाद आप चेक करेंगे कि एबीआई टेस्ट फुलफिल होता है या नहीं अब एक और चीज समझना जैसे एक बात बताओ करंट ईयर का जैसे मैं डेप्रिशियबलट की बात करूं तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्लोजिंग डब्ल्यू ये तो करंट ईयर का आ गया फिर आपको लास्ट ईयर का भी ऐसा करना है लास्ट टू लास्ट ईयर का भी ऐसा करना और फिर तीन साल का वापस से आपको एवरेज करना है ऐसा आपको करना पड़ेगा लेकिन एक बात क्वेश्चन ये आता है सर कौन से लेने के हमको तो थ्री इयर्स कौन से लेने का ऑब्वियसली एक तो करंट प्रीवियस और लास्ट के टू प्रीवियस अब एक और चीज समझना बहुत बार ऐसा हो सकता है बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी है ना वो कंपनी वो जो कंपनी है वो कंपनी कोई और अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है और हम प्रीवियस ईयर अलग फॉलो करते हैं देयर मे भी पॉसिबिलिटी कि लाइक like वो जो कंपनी है वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है और हम जो है वो यहां पे प्रीवियस ईयर फॉलो करते हैं तो उस केस में सर कौन से ईयर का डाटा लेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने प्रीवियस ईयर में उनका कौन सा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो रहा है अपने प्रीवियस ईयर में उनका कौन सा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो रहा है वो वाला ईयर और उसके लास्ट टू ईयर है उसका आपको डेटा का एवरेज लेना पड़ेगा जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में अगर वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो कौन सा कैलेंडर ईयर कंप्लीट हो जाता है मैं बताऊं टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कंप्लीट होता है तो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड टू थाउजेंड नाइटीन ये तीन साल का डेटा है उसका आपको एवरेज लेना पड़ेगा अब एक और चीज समझना अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल नहीं होता है एबीआई टेस्ट फुलफिल नहीं होता है तो फिर क्या उसका पोयम कहां माना जाएगा क्या उसका पोयम इंडिया में माना जाएगा उस कंपनी को क्या हम रेजिडेंट बना देंगे आंसर इज नो उसके लिए इन्होंने बोला कि यहां पे दो स्टेज प्रोसेस होगी सबसे पहला स्टेज तो यह रहेगा कि देखा जाएगा कि कंपनी के डिसीजन जो है वो कौन ले रहा है ये देखा जाएगा कि कंपनी के जो डिसीजन है जो मेजर डिसीजन है जो मेन डिसीजन है जो की डिसीजन है जो की कमर्शियल डिसीजन है वो कौन ले रहा है मीन पर्सन हु एक्चुअली टेक द मैनेजमेंट डिसीजन एंड दूसरा ये देखा जाएगा वो पर्सन कहां से ले रहा है और जहां से वो पर्सन ले रहा है ना डिटरमाइन द प्लेस वेयर डिसीजन आर इनफैक्ट बीइंग मेड वो डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं वहां पे पोएम माना जाएगा तो देखो मैंने क्या बोला अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया और मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है तो तो पोएम इंडिया के बाहर है वो कंपनी नॉन रेजिडेंट बन गई लेकिन अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल नहीं हो गया तो फिर कैसे पता चलेगा पोएम कहां है तो उसके लिए दो चीजें असेसिंग ऑफिसर देखेगा सबसे पहला तो ये डिसीजन कौन ले रहा है और दूसरा वो डिसीजन कहां से ले रहा है जहां से वो डिसीजन ले रहा है ना वहां पे उसका पोयम माना जाएगा यहां पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और इसमें एक और चीज समझना डिसीजन कहां इंप्लीमेंट होते हैं वो जरूरी नहीं है डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है

है तो उस केस में ये गाइडलाइंस देखने की जरूरत नहीं है फिर असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि उसका पूएम कहां पे है उसके बाद में यहां पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ये एग्जांपल आप देख दे लोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा अब यहां पे एक सेक्शन हुआ करती है जिसका नंबर है 115JH 115JH क्या बोलती है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है और वो फॉरेन कंपनी पहले है ना नॉन रेजिडेंट हुआ करती थी लेकिन मान लो इस साल में वो रेजिडेंट बन गई इंडिया की और ड्यू टू द पोयम और पोयम की वजह से रेजिडेंट बन गई तो सर एक बात बताइए इस साल में उस कंपनी का ओपनिंग डब्ल्यू ब्लॉक का क्या लेंगे एज वेल एज उसके लिए जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ एप्रिशिएशन वगैरह है वो क्या इंडिया में सेटअप होंगे या नहीं होंगे तो उसके लिए उन्होंने एक ट्रांजिशन मैकेनिज्म चालू किया है फॉरन कंपनी के लिए तो एक बात समझना ये सेक्शन है वन वन फाइव जे एच और ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई फॉरन कंपनी है जो पहले नॉन रेजिडेंट थी लेकिन अब इंडिया की रेजिडेंट बन गई तो अब इंडिया की रेजिडेंट बन गई तो सर एक बात बताइए उसके लिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ब्लॉक का क्या लेंगे क्योंकि जैसे ही रेजिडेंट बन जाती है ना उसमें पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी तो सर उस पूरे वर्ल्ड में उसकी जो भी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है वो इंडिया में क्या लेंगे और एज वेल एज द उसके लिए अगर मान लो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेजॉर्ब एप्रिशिएशन क्या उसको सेट ऑप कर पाएंगे या नहीं तो उसी से रिलेटेड यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है नोटिफिकेशन नंबर जो कि जून को आया था एंड ये जो नोटिफिकेशन है ना यह

कैसे क्या होगा सबसे पहले एक बात बताइए ओपनिंग डब्ल्यू हम क्या लेंगे तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या लेंगे क्योंकि अपने फर्स्ट अप्रैल 2022 का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी चाहिए क्योंकि उसी पे इस साल का डेप्रीशिएशन मिलेगा तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी असेट्स का क्या लेंगे तो उसमें लॉमेकर बोलते हैं कि आप एक चेक करिए पहले तो वो फॉरन कंपनी क्या सिंगापुर की टैक्स अस है या नहीं आपको यह चेक करना है कि वो जो फॉरेन कंपनी है क्या वो असेस टू टैक्स इन द सिंगापुर है या नहीं अगर वहां पे असेस टू टैक्स इन द सिंगापुर है सिंगापुर की टैक्स भी है तो आप एक काम करिए कि वेदर करिएशन इज कंसिडर फॉर टैक्सेबिलिटी इन सिंगापुर क्या सिंगापुर में डेप्रीशिएशन कंसिडर होता है टैक्स लाइबिलिटी वगैरह निकालने के लिए या नहीं आंसर इज यस yes होता है तो आप एक काम करो सिंगापुर के टैक्स लॉ के हिसाब से जो भी फर्स्ट अप्रैल 2022 का डब्ल्यू होगा वो एज इट इज इंडिया में डब्ल्यू ले लीजिए जो फर्स्ट अप्रैल 2022 को सिंगापुर के टैक्स लॉ के हिसाब से जो डब्ल्यू होगा वो एज इट इज इंडिया में डब्ल्यूडीवी ले लीजिए अब एक और चीज समझना अगर वहां पे पर नहीं होता है तो भी आपको को लेस करना है और ये अजम्पशन के बेसिस पे पे कि वहां एक्चुअली अलाउड होता है और जो भी डेप्रिशिएशन लेस करने के बाद जो डब्ल्यूडीवी बचेगा वो डब्ल्यू डीवी एज इट इज आप इंडिया में ले लीजिए तो आप सिंपल सी बात बताओ कि फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का डब्ल्यू डीवी कैसे लेंगे उस कंपनी के लिए तो अगर सिंगापुर का टैक्स लॉ जो है उसके हिसाब से डब्ल्यूडीवी ले लीजिए बट मान लो वो कंपनी सिंगापुर में टैक्स एस एससी नहीं है तो सिंगापुर की टैक्स एसएससी नहीं है तो आप एक काम करिए सिंगापुर में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो सिंगापुर के लिए जो कंपनी लॉस रहेगा उसके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ऑन का WDV क्या है वो एज इट इज इंडिया में डब्बल ले लीजिए और उस पर आप डेप्रीशिएशन क्लेम कर लीजिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड सर एक बात बताइए जो उस कंपनी के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है अनएब्सॉर्फ डेप्रीशिएशन है वो भी हमको मिलेंगे यानी आंसर इज यस मिल जाएंगे लेकिन इसमें एक चीज समझना अगर वो कंपनी जो है वो कंपनी वहां की टैक्स अस है तो एक काम करिए सिंगापुर के टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से जो तुम्हारे पुराने अनएब्सॉफ्टीशियन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है वो ले लीजिए बट अगर टैक्स एसेस नहीं है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से जो ओपनिंग वाले जो भी रहेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ले लीजिए लेकिन आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर एक बात बताइए जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है अनएब्सॉर्ड डेप्रिशिएशन है वो हम जैसे इंडिया में मैं बात करूं अनएब्सॉर्ड डेप्रिशन आप अनलिमिटेड इयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज में जैसे बिजनेस लॉस है तो दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली फॉर द एट ईयर्स तो एक बात बताइए सर वो जो ईयर्स काउंट होंगे मीन इंडिया में हम जो उसको कैरी फॉरवर्ड करके सेटअप करेंगे वो रिमेनिंग पीरियड के लिए करेंगे या फिर यहां पर फ्रेश एट ईयर्स का टाइम मिलेगा राइट आंसर इज आप रिमेनिंग पीरियड के लिए करोगे रिमेनिंग पीरियड का मतलब होता है कि जैसे फॉर एन एक्साम्पल सिंगापुर में सिंगापुर टैक्स लॉ के के हिसाब हिसाब से से या वहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके कोई फॉरवर्ड है और वो मान लो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके थे तो रिमेनिंग फोर इस के लिए हम क्या करेंगे इंडिया में उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड सेट ऑफ करेंगे एक और चीज समझना वो लॉसेज वो वाली इनकम के सामने ही सेट ऑफ हो पाएंगे जो इनकम यहां पोएम रेजिडेंट बनने की वजह से इंडिया में टैक्सेबल हो रही है में से एक बात बताओ कुछ इनकम ऐसी होती है जो सबके लिए टैक्सेबल होती है इंडिया में बिकॉज अगर इंडिया इनकम है बट कुछ इनकम ऐसी होती है जब आप रेजिडेंट बन जाते हो तो टैक्सेबल होती है तो अगर वो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन गई और उसकी वजह से कोई इनकम टैक्सेबल हो रही है तो उसके सामने ही वो तुम्हारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसिसन है उसको आप सेट ऑफ कर पाएंगे अब एक और चीज समझना सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि सर एक बात बताओ ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पे जो ईयर है उसका कॉन्सेप्ट अलग चलता है और इंडिया में ईयर का कॉन्सेप्ट अलग चलता है जैसे मैं एक एक्जाम्पल लेता हूं एक्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए जैसे एक बात बताइए इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में हमारा प्रीवियस 22 -23 है। और ये चालू होता है, कोई कंपनी है पोयम बन गई, इंडिया में वो रेजिडेंट बन गई तो एक बात बताओ सर अब उसके लिए जो लॉसेज है और फॉर एन एक्साम्पल सिंगापुर में फॉर एन एग्जाम्पल कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो कैलेंडर ईयर फॉलो करते और लॉस जो इंकर किया था वो फॉर एन एग्जाम्पल टू में किया था क्योंकि वहां तो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो 2019 में लॉस इंकर किया था तो एक बात बताओ सर यहां पे ईयर कैसे काउंट करेंगे हाउ वी विल काउंट द ईयर फोर ईयर हो गए या थ्री ईयर हो गए हैं या टू ईयर हो चुके हैं वो कैसे पता चलेगा तो यहां पर लॉमेकर्स बोलते हैं कि आप एक काम करिए सबसे पहले अगर इस साल में वो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बनी है पोएम रेजिडेंट बनी है दैट इज इन द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो आप एक काम करिए हमारा जो प्रीवियस ईयर है ना दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2022 तो उससे पहले वाली डेट क्या थी थर्टी फर्स्ट मार्च टू तो थर्टी फर्स्ट मार्च टू से पहले उनका कौन सा उनका कौन सा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था वहां से लेके और थर्टी फर्स्ट मार्च टू तक आप अकाउंट्स बना लीजिए तो इन्होंने क्या बोला समझने की कोशिश करना आप एक काम करिए कि हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 है ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट अप्रैल से उससे पहले 31 मार्च 2022 आया तो 31 मार्च 2022 जब आया उससे पहले कौन सा उनका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था वहां से लेके और 31 मार्च 2022 तक के लिए आप अपने अकाउंट्स बना लीजिए और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट आपको पी एंडल बैलेंस शीट उस कंपनी का बनाना पड़ेगा तो ये कंपनी क्या करेगी बेटा बताए एक तो अकाउंट बनाएगी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से अकाउंट बनाएगी फर्स्ट जनवरी के लिए वो कंपनी क्या करेगी अपने अकाउंट्स बनाएगी मिस यहां पे मंथ के अकाउंट्स बनाएगी एज वेल एज द उसके बाद में अगले ट्वेल्व मंथ के लिए अकाउंट्स और बनाने पड़ेंगे ट्वेल्व मंथ के लिए अकाउंट्स का मतलब हुआ कि फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से लेकर उसको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे अब एक बात समझना हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आप अकाउंट्स बना रहे हो ना इस पर्टिकुलर पीरियड ये वाला जो पीरियड है ये अगर आपका पीरियड सिक्स मंथ या उससे ज्यादा है मिस ये जो पीरियड है ये पीरियड आपका सिक्स मंथ या उससे ज्यादा है तो उसको वन अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा और अगर सिक्स मंथ से कम है तो उसके पिछले अकाउंटिंग ईयर के साथ आप इसको मर्ज कर लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये वाला जो पीरियड है ये पीरियड आपका सिक्स मंथ या उससे ज्यादा है तो उसको एक सेपरेट अकाउंटिंग ईयर मानिए और अगर सिक्स मंथ से कम है तो आप उसके पिछले वाला जो अकाउंटिंग ईयर है उसके साथ में आप इसको मर्ज कर लीजिए तो मुझे एक बात बताइए यहां पर यह जो पीरियड है यह पीरियड मुझे बताइए सिर्फ थ्री मंथ का है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वाला पीरियड था तो इसके पहले वाला अकाउंटिंग ईयर है वो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हो जाएगा तो यहां पर आपका फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से लेके और थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक फिफ्टीन मंथ का आपका एक ही अकाउंटिंग ईयर लिया जाएगा तो मुझे बताइए 2019 है वो आपका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा उसके बाद 2020 है वो तुम्हारा सेकंड अकाउंटिंग ईयर रहेगा और ये 15 मंथ के लिए आपका थर्ड अकाउंटिंग ईयर रहेगा और अभी आपका 22 टू ट्वेंट्री थ्री है ये आपका फोर्थ अकाउंटिंग ईयर रहेगा और कैरी फॉरवर्ड के लिए ये जो करंट वाला ईयर है वो आपका फोर्थ ईयर माना जाएगा लेकिन ये जो पीरियड का आप अकाउंट बनाते हो अगर ये सिक्स मंथ या उससे ज्यादा होता है तो आप क्या करते हो उसको एक सेपरेट अकाउंटिंग ईयर है वो आप ट्रीट करते हैं यहां पे मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स दे रखा है अगर आप इस एग्जांपल से देख भी लोगे तो चलेगा और ये कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा फॉर द पर्पज ऑफ द पेपर नंबर सेवन के लिए लेकिन सिक्स सी के लिए ऑब्वियसली एग्जाम में आ सकता है अब एक बात समझना पॉइंट नंबर फाइव आता है और पॉइंट नंबर बोलता है कि बहुत सारे टीडीएस टॉपिक के प्रोविजन ऐसे है जो रेजिडेंट पर्सन पे भी लगते हैं और नॉन रेजिडेंट पे भी लगते हैं मीस नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी पे भी लगते हैं जैसे फॉर एन एक्साम्पल आपने क्या किया किसी पर्सन को पेमेंट करते हो प्रोफेशनल फीस का अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो 194 जे में टीडीएस काटते हैं लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी को पेमेंट करोगे तो 195 में टीडीएस काटना तो मुझे एक बात बताइए जब टीडीएस टॉपिक के प्रोविजन है वो बीइंग द रेजिडेंट पे भी लग रहे हैं और फॉरेन कंपनी पे भी लग रहे हैं तो कौन सा प्रोविजन लगाना है राइट आंसर इज जो प्रोविजन फॉरन कंपनी पे लगता है वो वाला प्रोविजन आपको लगाना है जो प्रोविजन फॉरेन कंपनी पे लगता है वो वाला प्रोविजन लगाना है और फॉरेन कंपनी पे जो प्रोविजन लगता है वो वाला प्रोविजन लगाना है और, पे लगता है और पे भी लगता है, अब एक बात बताओ, ये company company है और रेजिडेंट भी बन गई तो आप एक काम करिए जो प्रोविजन फॉरन कंपनी पे लगता है वो वाला प्रोविजन यहां पर आपको अप्लाई कराना है उसके बाद में क्वेश्चन जब वो फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन गई तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो रही है तो सर ऐसा भी तो हो सकता है उसने सिंगापुर में भी टैक्स भर दिया, तो दिया तो इनकम इंडिया में भी टैक्स लग रहा है एज पर द सेक्शन नाइन्टी और नाइनटी जो फॉरन टैक्स क्रेडिट रूल होते हैं उसके हिसाब से आपको इंडिया में उसका क्रेडिट मिल जाएगा एक और चीज समझना ये जो प्रोविजन और नोटिफिकेशन हम पढ़ रहे होगा जो इनकम ऐसे भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है कोई इनकम ऐसी होती है जो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया या अक्रूड और अराइज इन इंडिया या रिसिव इन इंडिया होती है वो ऐसे भी टैक्सेबल हो जाती भले वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी होती तो भी टैक्सेबल हो जाती तो उन इनकम पे ये वाला नोटिफिकेशन नहीं लगेगा और उसके बाद में नो इफेक्ट ऑफ अदर ट्रांजेक्शन अगर वो फॉरन कंपनी के कोई दूसरे ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन पे इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा एक और चीज समझना अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया की पोएम रेजिडेंट बन गई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया की पोएम रेजिडेंट बन गई अब एक बात समझना इनकम टैक्स में कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉरेन कंपनीज पे लगते हैं इनकम टैक्स में कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉरेन कंपनीज पे लगते हैं तो वो वाले प्रोविजन बेटा इस कंपनी पे लगेंगे कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ नॉन रेजिडेंट पे लगते हैं तो वो वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे और कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेजिडेंट पे लगते हैं तो वो वाले प्रोविजन लग जाएंगे तो देखो इनकम टैक्स लॉ में कुछ प्रोविजन प्रोविजन ऐसे होते हैं हैं जो सिर्फ फॉरेन कंपनी पे लगते दैट विल एप्लीकेबल हियर कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ नॉन रेजिडेंट पर्सन पे लगते हैं वो प्रोविजन नहीं लगेंगे क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट नहीं है और कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो ओनली रेजिडेंट के लिए लगते हैं तो वो प्रोविजन आप पे लग जाएंगे अब एक और चीज समझना फॉरेन कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनी के लिए एक बात बताइए टैक्स रेट क्या होगी तो अगर फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन गई तो भी उसके लिए टैक्स रेट फॉरेन कंपनी वाली ही रहेगी दैट इज द फोर्टी परसेंट उसको फोर्टी परसेंट की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा उसके लिए टैक्स रेट फोर्टी परसेंट ही होगी वो फॉरेन कंपनी है वो जैसे ही रेजिडेंट बन गई पूरे वर्ल्ड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी लेकिन उसके लिए जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट आपका फोर्टी है वो फोर्टी की टैक्स रेट से ही टैक्स भरना पड़ेगा और फॉरन जुरस्डिक्शन का मतलब होता है ऐसी कंट्री जहां पर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अपने एक्जाम्पल में अपन ने लिया कि जैसे वो सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई है तो सिंगापुर जो है वो तुम्हारा फॉरन जुरुडक्शन आना जाएगा नेक्स्ट पार्ट आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या होता है कि भैया किस पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी तो मैं बता दू इनकम दो तरह की होती है वन इज द इंडियन इनकम वन इज द फॉरेन इनकम इंडियन इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो या तो इंडिया में अक्रूड हुई है या अराइज हुई है या फिर इंडिया में रिसीव हुई है या डीम टू बी रिसीव हुई है उस इनकम को हम इंडियन इनकम बोलेंगे तो इंडियन इनकम मीस या तो इंडिया से अक्रूड होती है या इंडिया से रिसीव होती है इंडिया में अक्रूड हुई है या इंडिया में रिसीव हुई है दैट इज कॉल इंडियन इनकम और इकमेन इनकम किसको बोलेंगे जो भी इंडिया के बाहर वाली इनकम है दट इज कॉल्ड फॉरन इनकम मीस जो अक्रूड भी इंडिया के बाहर हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई है दैट इकॉल्ड फॉरन इनकम अब एक क्वेश्चन ये आता है सर कौन से के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी तो हमेशा ध्यान रखना दो तरह की इनकम होती है वन इंडियन इनकम एंड वन इज द फॉरेन इनकम बट फॉरेन इनकम को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं वन इज द फॉरेन इनकम फ्रॉम फॉरेन इनकम स कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मीन बिजनेस है वो कंट्रोल इंडिया से होता है या फिर कोई फॉरन में प्रोफेशन है बट प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया तो वो वाली इनकम और लास्ट वाली अदर फॉरन इनकम तो एक चीज ध्यान रखना अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट होता है ना तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सीबल होती है मींस इंडियन इनकम इज टैक्सीबल फॉरेन इनकम

इनकम ही टैक्सेबल होती है बाकी कोई भी इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होती तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना जो भी आर एंड ओ होता है ना उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी जो आरब एनआर होता है उसके लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी और फॉरेन की इनकम वही वाली जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है वो टैक्सेबल होगी और अदर फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी और एनआर के लिए ओनली इंडियन इनकम है वो टैक्सेबल होगी बाकी वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होती है लेकिन सर एक बात बताऊं ये सिर्फ इंडिविजुअल एच के केस में आर एनआर आरब एनआर होता है बाकी के केस में सिर्फ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होता है तो उसके केस में अगर आप रेजिडेंट हो तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी अगर आप नॉन रेजिडेंट हो सिर्फ इंडिया की इनकम टैक्सेबल होगी बाकी वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी अब एक चीज समझना यहां पर इनकम रिसिव इन इंडिया का मतलब होता है फर्स्ट रिसिड इन इंडिया

आपके न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन करते हैं तो एम्प्लॉय को मिला नहीं बट वो डीम टू बिस इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय माना जाता है एंड अगर आपका अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कोई पैसा था वो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर ट्रांसफर होता है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर होता है तो उस केस में डीम टू बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय माना जाएगा तो देखो तीन इनकम ऐसी होती है सेक्शन सेवन बोलती है डीम टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय माना जाएगा सबसे पहले अगर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है वो एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय ऑफ सैलरी से ज्यादा है या नाइन से एक्सेस वाला इंटरेस्ट है वो वाला या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में अगर कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है या फिर आपका जो भी अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का बैलेंस था वो अगर आपका अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है वो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर होता है तो डीम टू बी बाय एम्प्लॉय माना जाता है और वो एम्प्लॉय

या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करता है इन द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर नॉन रेजिडेंट के बिहार पे इंडिया में वो क्या करता है हैबिचुअली स्टॉक को मेंटेन करता है और नॉन रेजिडेंट जैसे बोलता है उसका डिलीवरी करता है या फिर नॉन रेजिडेंट के लिए वो क्या करता है इंडिया में हैबिचुअली होली और फुल्ली ऑर्डर सिक्योर करता है उस नॉन रेजिडेंट के लिए तो उस केस में ये माना जाएगा कि इस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो गया और बिजनेस कनेक्शन जब हो जाता है तो उस केस में उसको इंडिया से जो भी इनकम होगी वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है उसके भी पे कोई इंडिया में पर्सन है वो क्या करता है या तो हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करता है कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर उसके लिए क्या करता है होली और मेनली ऑर्डर सिक्योर करता है या इंडिया में गुड्स का स्टोरेज करता है और उसका डिलीवरी करता है इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ दिस नॉन रेजिडेंट तो इस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में डीम टू बी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और उस केस में में इंडिया इनकम टैक्सेबल हो जाएगी अब एक बात बताओ जितने भी डबल टैक्सेशन और एग्रीमेंट होते हैं ना उसमें बिजनेस कनेक्शन वर्ड यूज नहीं होता उसमें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज होता है तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और बिजनेस कनेक्शन दोनों अलग अलग चीजें है जिन कंट्री के साथ में हमारे डीटी डबल होते हैं ना उनके केस में हम पीई .E. देखते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं बट जहां पे हमारे डीटी डबल नहीं है वहां पर हम ये बिजनेस कनेक्शन वाला कंसेप्ट है, वो देखते हैं लेकिन एक बात समझना मैंने आपको यहां पर क्या बोला पहली चीज ये हैबीचुअली होना चाहिए है. का मतलब होता है रेगुलरली अगर वो रेगुलरली ऐसा करता है अब एक चीज समझता है यहां पे क्या बोला हुआ है कि सिक्योर द ऑर्डर मेनली और होली फॉर द नॉन रेजिडेंट मीस वो नॉन रेजिडेंट के मेनली होली ऑर्डर सिक्योर करता है लेकिन बहुत बार क्या होता है एक, एक लेते हैं जैसे मान लो एक बंदा है मिस्टर ए है और जो मिस्टर एक्स करके एक नॉन रेजिडेंट है उसके लिए क्या करता है मेनली और होली ऑर्डर सिक्योर करता है एक्स के लिए तो मैं बताऊं एक्स तो एक्स का तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बन जाएगा लेकिन वो कभी कभी क्या करता है वाई के लिए भी ऑर्डर सिक्योर करता है तो वाई का इंडिया में क्या बिजनेस कनेक्शन बनेगा आंसर इज नो क्योंकि ये जो पर्सन है मिस्टर ए करके मिस्टर कर है वो मिस्टर कर, कर रहा है तो एक्स का, का नहीं बनेगा, करके वाई के लिए तो कुछ कुछ ऑर्डर में बन जाएगा अगर एक्स है वो वाई को कंट्रोल करता है या फिर वाई है वो एक्स को कंट्रोल करता है या कोई पर्सन ऐसा जेड है जो एक्स और वाई दोनों को कंट्रोल करते हैं तो उस में यहाँ पे बेटा वाई का भी बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा तो मैंने क्या बोला देखो अगर कोई नॉन रेजिडेंट उसके लिए इंडिया में कोई पर्सन है वो होली और नली ऑर्डर सिक्योर उसके लिए करता है तो उसका तो बिजनेस कनेक्शन बन गया लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसके लिए कभी कभी ऑर्डर सिक्योर करता है तो क्या उसका भी बिजनेस कनेक्शन बनेगा आंसर इज यस बन जाएगा अगर वो फर्स्ट पर्सन सेकंड को कंट्रोल करता है सेकंड फर्स्ट को कंट्रोल करता है दोनों कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है तो उसके इसमें यहां पर बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा अब एक और चीज समझना कहीं पर भी अगर मान लो आपका इंडिपेंडेंट स्टेटस है मीन्स कोई एजेंट ऐसा है जो इंडिपेंडेंट एजेंट है और वो दुनिया में सबके लिए ऑर्डर वगैरह सिक्योर कर रहा है सबके लिए काम कर रहा है तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा मीनस इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस कनेक्शन तभी बनता है जब इंडिया में आपका कोई डिपेंडेंट एजेंट है जब डिपेंडेंट एजेंट है तो बिजनेस कनेक्शन बनेगा अगर कोई नॉन डिपेंडेंट एजेंट या इंडिपेंडेंट एजेंट है तो उस केस में आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा अब यहाँ पे एक और सेक्शन आती है दैट इज द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जिसको मैं एसीपी बोल सकता हूं यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई भी नॉन रेजिडेंट है उसका इंडिया में एसीबी बन जाता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बन जाता है

डेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा ये क्या होता है एक एग्जांपल लेते हैं, आपको पता रहेगा फॉरन की बहुत सारी वेबसाइट है जो सॉफ्टवेयर वगैरह सेल करती है फॉरेन की बहुत सारी वेबसाइट है जो डेटा सेल करती है अब एक बात समझना होता है तो उसको जो ट्रांजेक्शन है और पूरे साल में मिला के अगर उनका जो ट्रांजेक्शन है वो टू करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है पूरे साल में मिला के वो फॉरन की जो वेबसाइट वगैरह है उनको जो है सॉफ्टवेयर वगैरह बेचा उसका जो कंसिडरेशन है वो टू करोड़ से ज्यादा है तो उनका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा उनका उनका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बन जाएगा और उनको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा या फिर क्या होता है बहुत सारी ऐसे पता है एप्लीकेशन होती है और वो एप्लीकेशन आपने देखी होगी जहां पे इंडिया में गेम्स वगैरह खेलते हैं अगर उनके जो यूजर्स है तो उनका भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा तो अगर कोई भी ऐसी क्या करते हैं सिस्टमेटिक और कंटिन्यू द यूजर इन इंडिया ऐसी कुछ एप्लीकेशन वगैरह है तो उनके जो यूजर है वो इंडिया में अगर थ्री लेक या उससे ज्यादा है तो उन केस में उनका भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा और उस पर टैक्स इंडिया में लगेगा अब एक बात बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे पकड़ेंगे क्या पकड़ेंगे ये अभी बहुत रॉ कंसेप्ट है इन फ्यूचर में जाके दस बारह साल के बाद ये

वो एडवर्टाइजमेंट है वो टारगेट करता है इंडियन कस्टमर को या फिर वो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सेस दिया जाता है वो एडवर्टाइजमेंट देखा जाता है या फिर कोई भी ऐसा डेटा सेल करता है नॉन रेजिडेंट किसी भी पर्सन को और वो डेटा जो कलेक्ट हुआ था वो डेटा कलेक्ट किया था इंडिया के रहते वाले लोगों से या फिर इंडिया के आईपी एड्रेस से वो डेटा कलेक्ट किया था या फिर कोई सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है और वो वाला जो इंडिया से कलेक्ट हुआ था इंडियन पर्सन से या फिर इंडिया के आईपी एड्रेस से यूज हुआ था तो ये वाली जो इनकम होती है ना ये भी डीम टू भी इंडिया मानी जाएगी अब एक चीज समझना चार चीजें ऐसी है होती है जहां हाँ पर बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा ये ध्यान रखना चार चीजें ऐसी है, चार

डायमंड को माइनिंग करती है फॉरेन में और इंडिया में क्या करती है नोटिफाइड एरिया में वो या अनकट डायमंड होते हैं जो रॉ डायमंड होते हैं उसका सिर्फ डिस्प्ले एक्टिविटी करती है तो डिस्प्ले एक्टिविटी करना है वो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा जैसे मान लो साउथ अफ्रीका की कोई कंपनी है वो क्या करती है इंडिया के जो नोटिफाइड जोन है वहां पर जाके क्या करती है डायमंड का सिर्फ डिस्प्ले एक्टिविटी करती है तो वो तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा अब एक और चीज समझना स बोलते हैं कि अगर कोई भी इनकम ऐसी होती है जो प्रॉपर्टी या असेट या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में सिचुएटेड है तो उस केस में वो इनकम डीम टू बी और इन इंडिया मानी जाएगी जैसे फॉर एन फॉरेन में एक रिकी करके क्रिकेटर है उसका मुंबई में एक फ्लैट है उस मुंबई के फ्लैट से अगर कोई भी रेंट वगैरह आता है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा अब एक और चीज समझना अगर कोई भी कैपिटल असेट ऐसी है जो सिचुएटेड इन इंडिया है और उसको आप ट्रांसफर कर देते हो तो उस उसको जो कैपिटल गेन होगा वो इंडिया में टैक्सीबल होगा जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो रिकी पॉन्टिंग ने मुंबई का फ्लैट है वो बेच दिया और सेल करने से जो भी कैपिटल गेन हुआ वो कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल होगा इंडियन कंपनी के शेयर अगर आप बेचोगे तो वो इंडिया में, मानी जाती है और उस में वो इंडिया में लेकर आया था अब एक चीज समझना क्या बोलता है जैसे मैं एक लेता हूं, इंडिया में एक कंपनी थी इंडिया की एक कंपनी है जैसे मान लो ये इंडियन कंपनी करके ठीक है और इंडियन कंपनी और मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है कंपनी एक कंपनी है इंडियन कंपनी एक कंपनी है फॉरेन कंपनी अब एक चीज समझना अगर आप इंडियन कंपनी के शेयर बेच देते हो तो उस केस में तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा लॉमेकर्स बोलते हैं कि अगर ये फॉरेन कंपनी जो है ना फॉरेन कंपनी के शेयर्स अगर आप बेचते हो तो भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा अगर ये फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू डिराइव्ड करती है इंडियन असेट से

क्या बोला है समझने की कोशिश करना यहां पे बोला कि फॉरेन कंपनी जो है वो अपने शेयर्स की वैल्यू अगर सब्सटेंशियली करती है इंडियन सब्सटेंशियलीट से तो उस फॉरेन कंपनी के शेयर डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे और भैया अगर उस शेयर को बेचोगे तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा लेकिन क्वेश्चन आता है ऐसा कब माना जाएगा ऐसा कब माना जाएगा कि ये जो फॉरेन कंपनी के शेयर है वो डिराइव करते हैं अपनी वैल्यू इंडियन असेट से अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है पहली कंडीशन तो ये कि जो फॉरेन कंपनी के पास में इंडियन असेट है मीन इंडियन कंपनी के जो शेयर है क्योंकि इंडियन कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी है होल्डिंग कंपनी है वो फॉरेन फॉरेन कंपनी 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 है है तो जो जो के के पास में इंडियन शेयर ना इंडियन कंपनी के जो असेट है वो असेट की वैल्यू टेन करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए फॉरेन कंपनी के पास में जो इंडियन इंडियन है उस की वैल्यू टेन करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए एंड सेकंड कंडीशन इज दैट कि फॉरेन कंपनी के जितनी भी असेट है ना उन असेट में इंडियन असेट वो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट या उससे ज्यादा होनी चाहिए मीनस ये जो फॉरेन कंपनी है इनके पास जितनी भी असेट है उन असेट्स में फिफ्टी परसेंट और मोर है वो इंडियन असेट होनी चाहिए अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेती है तो मैं बोलूंगा जो फॉरन कंपनी है उनके शेयर की वैल्यू इंडियन असेट से डिराइव हो रही है और अगर आप फॉरन कंपनी के शेयर बेचोगे तो भी उस पर इंडिया में टैक्स लग जाएगा तो देखो मैंने क्या बोला? एक बार मैं वापस बोल रहा हूं। यहां पे इंडायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है देखो एक इंडिया की कोई कंपनी है इंडियन कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी है फॉरेन कंपनी अब एक बात समझना आपने इंडियन कंपनी के शेयर बेचे तो तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा लेकिन लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये फॉरेन कंपनी के शेयर्स अगर आपने बेचे ना तो भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा अगर ये फॉरन कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू डिराइव कर रही है इंडियन असेट से लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फॉरन कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू इंडियन असट से डिराइव कर रही है ये कब माना जाएगा कैसे माना जाएगा

और फॉरेन कंपनी के आप अगर शेयर बेचोगे तो उस पर भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा यू गॉट माई पॉइंट अब एक और चीज समझना सर क्वेश्चन आता है कि अगर ये जो फॉरेन कंपनी के शेयर आप बेचोगे मान लो इस फॉरेन कंपनी ने बेचे मीन यहां पर शेयर होल्डर है इसने क्या किया इस फॉरेन कंपनी के शेयर बेचे तो उस केस में इंडिया में टैक्स लग जाएगा लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो ये शेयर होल्डर है ना ये के 12 में, मिस की 12 तक, मिस लास्ट के ट्वेल्व डेट से मंथ मंथ पहले तक लास्ट के में से ज्यादा का शेयर होल्डिंग नहीं रखता है और उसका कोई भी ऐसा वोटिंग पावर नहीं है मिस 5 से ज्यादा का होल्डिंग नहीं रखता है और उसका कोई भी वोटिंग पावर वगैरह नहीं है तो उस केस में क्या होगा उस केस में क्या होगा उस केस में क्या होगा इस फॉरन कंपनी के हाथ में मीन इस शेयर होल्डर के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ समझने की कोशिश करना करिए ठीक है देखो बेटा मैंने पहले तो क्या बोला कि फॉरेन कंपनी का शेयर है वो अगर अपनी वैल्यू डिराइव करता है इंडियन से तो उस के फॉरेन कंपनी का शेयर डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माना जाएगा और इंडिया में उस पर टैक्स लग जाएगा शेयर होल्डर जब भी फॉरेन कंपनी का शेयर बेचेगा ना तो भी टैक्स लगेगा लेकिन वो शेयर होल्डर है वो अगर लास्ट के मंथ में फाइव से ज्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं रखता है एज वेल एज तो उसने कोई भी लाइक कंट्रोल मैनेजमेंट में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उस केस में भैया उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए आप बोल रहे हैं कि इस फॉरन कंपनी के पास इस इंडियन कंपनी के टेन करोड़ से ज्यादा की वैल्यू के असेट होनी चाहिए इस फॉरेन कंपनी के पास और फॉरेन कंपनी की जो टोटल असेट है उसमें फिफ्टी परसेंट

और लास्ट बैलेंस शीट डेट देखो नॉर्मली आपकी जो वैल्यूशन डेट है वो लास्ट बैलेंस रहेगी नॉर्मली वैल्यूशन डेट है वो लास्ट डेट रहेगी लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग ट्रांसफर की डेट पे ट्रांसफर की डेट पे ट्रांसफर की डेट पे अगर बुक वैल्यू ऑफ अट है इस फॉरेन कंपनी का बुक वैल्यू ऑफ अट है वो बुक वैल्यू ऑफ अट मोर देन फिफ्टीन परसेंट हो जाता है एज कंपेर टू बुक वैल्यू ऑफ असेट एज ऑन द लास्ट बैलेंस शीट डेट तो ट्रांसफर की डेट है वो वैल्यूशन डेट हो जाएगी तो देखो समझने की कोशिश करना आप लोग सर सबसे पहली कंडीशन फॉरेन कंपनी के शेयर है वो अपनी वैल्यू इंडियन असेट से डिराइव कब करते हैं दो कंडीशन पहली कंडीशन लाइक like, इंडियन असट है वो उनके पास टेन करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और इनकी टोटल असेट में इंडियन असट है वो आपका फिफ्टी परसेंट या उससे ज्यादा होनी चाहिए लेकिन कौन सी डेट को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट करेंगे वैल्यूशन डेट को वैल्यूशन डेट का मतलब होता है लास्ट बैलेंस शीट डेट लेकिन एक चीज समझना जिस दिन फॉरन कंपनी के शेयर ट्रांसफर हुए ना ट्रांसफर की डेट और लास्ट बैलेंस शीट डेट के बीच में जो डिफरेंस है बुक वैल्यू ऑफ अट का अगर बुक वैल्यू ऑफ अट ऑन द ट्रांसफर डेट इज मोर देन फिफ्टीन परसेंट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ अट ऑन द लास्ट बैलेंस शीट डेट तो उसके इसमें ट्रांसफर की डेट है ना वो ट्रांसफर की डेट ही आपकी वैल्यू डेट बन जाएगी यू गॉट माइ पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना सर आप बोलते हैं कि यहां पर फॉरन कंपनी के पास में इंडियन कंपनी के जो असेट है वो टेन करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए एंड And...

सर्विस इंडिया में रेंडर्ड की थी तो उसको कुछ भी पैसा मिलता है सर्विस खत्म होने के बाद भी तो वो पैसा भी डीम टू बी और अराइज इन इंडिया माना जाएगा आई कैन टेक एग्जांपल एक पर्सन है जिसने जॉब इंडिया में की थी और वो रिटायर हो गया रिटायरमेंट के बाद मान लो वो मॉलदीव्स में शिफ्ट हो गया और वहां पर पे उसको पेंशन मिल रही है तो भी वो पेंशन इंडिया में टैक्सेबल होगी बिकॉज उसने सर्विस जो रेंडर्ड की थी वो सर्विस इंडिया में रेंडर्ड की थी अब एक और चीज समझना सेक्शन नाइन सब सेक्शन वन का क्लॉज नंबर थ्री ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी इंडियन सिटीजन है जिसको गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है

वो सिमिलर सिमिलर क्लॉज है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं इजीली आपको समझ में आ जाएगा एक बात समझना अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जैसे एक नॉन रेजिडेंट है और उस नॉन नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट का नाम है Lobo, Lobo, Lobo है मान लो लोबो 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 एक ठीक है और ये लोबो जो है ना ये यूएसए का बंदा है इसने क्या किया मान लो इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया लोबो ने इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इंटरेस्ट पे किया एक चीज ध्यान रखना ये इंटरेस्ट लोबो के हाथ में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा मीन्स यहां पे उसने गवर्नमेंट को लोन दिया गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया ये इंटरेस्ट उसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा दूसरी चीज अगर लोबो ने इंडिया के किसी रेजिडेंट पर्सन को लोन दिया रेजिडेंट पर्सन में एग्जाम्पल ले लेते हैं बीबी वर्चुअल को उसने बीबी वर्चुअल को लोन दिया और हम अगर उसको इंटरेस्ट देंगे ना वो इंटरेस्ट भी लोगों के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा लोगो के लिए और वो इंटरेस्ट टेक्सीबल हो जाएगा लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि ये जो रेजिडेंट पर्सन है बीबी वर्चुअल इन्होंने उस पैसे को इंडिया के बाहर किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया यहां बीबी वर्चुअल ने वो पैसे को इंडिया के बाहर किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया तो उस केस में ये इंटरेस्ट जो भी हम इसको देंगे वो डीम टू भी इंडिया नहीं माना जाएगा तीसरा पार्ट अगर लोगों ने क्या किया लोन दिया वो लोन किसी नॉन रेजिडेंट को दिया एक बंदा है जिसका नाम है होबो एक बंदा है जिसका नाम है होबो और होबो जो है वो दुबई का बंदा है अगर यहां पे लोगों ने होबो को लोन दिया और बेटा होबो ने वो पैसा अगर इंडियन किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हुआ है इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में उन्होंने यूज किया तो उस केस में वो डीम टू तो बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा देखो तीन चीजें समझने की कोशिश करना अगर कोई नॉन रेजिडेंट है उसने लोन दिया लोन किसको दिया वो देखना पहले गवर्नमेंट को दिया गवर्नमेंट से जो इंटरेस्ट मिलता है वो डीम टू तो बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा दूसरी चीज अगर किसी रेजिडेंट पर्सन को लोन दिया रेजिडेंट पर्सन से जो इंटरेस्ट मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा लेकिन रेजिडेंट पर्सन ने अगर वो पैसा है वो इंडिया के बाहर किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया तो उस केस में वो डीम टू भी अक्रूड और रैस इन इंडिया नहीं माना जाएगा तीसरी चीज अगर एक नॉन रेजिडेंट ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया और दूसरे नॉन रेजिडेंट से जो इंटरेस्ट मिलता है वो डीम टू रेजिडेंट ने वो पैसा है, वो किसी या में यूज किया है तो समझना यहां पर इंटरेस्टिंग पार्ट यह आता है कि इस नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया लेकिन इस दूसरे नॉन रेजिडेंट ने उस पैसे को इंडियन अगर बिजनेस में यूज किया है तो ही वो डीम टू अक्रूड और माना जाएगा अगर इस नॉन रेजिडेंट ने कहीं इंडियन कंपनी के शेयर वगैरह खरीद लिए तो उस केस में इंडियन बिजनेस प्रोफेशन में यूज नहीं हुआ तो उस केस में ये इंटरेस्ट है वो इसके हाथ में डीम टू अक्रूड और अराइज इंडिया नहीं माना जाएगा यू yes. उसी को मैंने एक्साम्पल के फॉर्म में यहां दे रखा देखिए नॉन रेजिडेंट ए बोरो मनी फ्रॉम नॉन रेजिडेंट बी एंड इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी तो यहां इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज नहीं हुआ है तो उसके में ये नॉट डीम टू बी अक्रूड और माना जाएगा अब एक और चीज समझना बहुत बार क्या होता है कि जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक कंपनी है जिसका नाम है एच एस बीसी हॉंग एच एस बी सी हॉन्गकॉग है वो उनका हेड ऑफिस और इंडिया में एच एस बी सी की ब्रांच है एच एस बी सी की ब्रांच इंडिया में अब एक बात समझना जो एच एस बीसी है उन्होंने क्या किया कि कुछ पैसा है वो अपनी ब्रांच को दिया अब ब्रांच यहां पर इंटरेस्ट दे रही है ब्रांच यहां पे इंटरेस्ट दे रही है तो क्वेश्चन यहां पे पर आता है ब्रांच जब इंटरेस्ट दे रही है एच एस बीसी हॉकॉंग को तो क्या ये हॉंग एच एस बीसी हॉकॉंग के हाथ में डीम टू बी भी अराइज इन इंडिया माना जाएगा या नहीं ये लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रांच और हम तो एक ही है ना ब्रांच और हम तो एक ही है तो हम हमको ही थोड़ी इंटरेस्ट दे सकते हैं ये हमारे हाथ में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा ऐसा वो बोलते थे लेकिन लॉ मेकर्स बोलते हैं कि नहीं अगर कोई ब्रांच है वो ब्रांच अपनी होल्डिंग कंपनी को इंटरेस्ट दे रही है तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा मीनस ये दोनों सेपरेट पर्सन माने जाएंगे और जो भी इनकम है वो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट

चीज रॉयल्टी में आएगी क्या क्या या तो ट्रांसफर करते हैं एनी राइट इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस दे देते हो किससे पेटेंट इन्वेंशन मॉडल डिजाइन सीक्रेट फॉर्मुला प्रोसेस ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी को आप क्या करते हो किसी को ट्रांसफर करते हो या उसका राइट right देते हो और अगर वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं हो रहा तो उसको रॉयल्टी बोला जाएगा दूसरा इम्पार्टिंग द कंसर्निंग द वर्किंग ऑफ द यूज ऑफ द पेटेंट पेटेंट यूज कैसे होगा उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो और उसका पैसा लेते हो या फिर उसको यूज कैसे करना है करके ठीक है उसके लिए आप कुछ पैसा लेते हो या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देते हो जो टैक्निक इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल की कुछ इंफॉर्मेशन है उसके लिए कुछ पैसा मिलता है या फिर आपको इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट किसी को देते हो यहां पे आप प्लांटेड मशीनरी सप्लाई कर रहे हो किसी को यूज करने दे रहे हो उसका जो पैसा मिलता है वो भी तुम्हारे रॉयल्टी में आएगा एज वेल एज द अगर आपका कोई कॉपीराइट लिटरेसी आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क है वो किसी को अगर आप देते हो उसके जो एनी या ऑल राइट right ट्रांसफर करते हो उसका जो पैसा मिलता है वो भी तुम्हारे रॉयल्टी में आएगा एज वेल एज द अगर आप मान लो कोई भी मूवी के एग्जीबिशन का राइट वगैरह देते हो सेल का डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी रॉयल्टी में आएगा पहले ये नहीं आता था लेकिन यहाँ पे इसको हटा दिया है अब उसको रॉयल्टी में ले लेंगे करके ठीक है या फिर यहाँ पे जो ऊपर जो भी दे रखा है उससे रिलेटेड कोई सर्विस रेंडर करते हो तो वो भी अलटी में आएगा अब एक चीज समझना यहां पे रॉयल्टी के केस में कैसे डीम टू बी अक्रूड और अराइज़ इन इंडिया है समझने की कोशिश करना लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है इस नॉन रेजिडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं नाम ले लेते हैं हमारे एग्जांपल में था लोबो अब एक बात समझना लोबो ने क्या किया अगर ये कोई सर्विस है वो अपनी गवर्नमेंट को दी अपनी गवर्नमेंट को दी और गवर्नमेंट से कोई रॉयल्टी एफटीएस मिलता है रॉयल्टी एफटीएस मिलता है वो गवर्नमेंट से मिलता है तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया माना जाएगा लोबो के लिए और वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा अब एक बात समझना लोबो ने क्या किया ये सर्विस किसी रेजिडेंट पर्सन को दी और रेजिडेंट पर्सन में एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं बीबी वर्चुअल को दी तो बीबी वर्चुअल जो भी रॉयल्टी देगा वो रॉयल्टी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा किसके लिए लोबो के लिए लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन है कि यहां बीबी वर्चुअल ने वो वाली जो सर्विस है वो इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हुआ या इंडिया के बाहर कोई सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज हुआ तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना यहां पे लोगों ने वो सर्विस दिया वो किसको दिया बीबी वर्चुअल को रेजिडेंट पर्सन को बट हमने क्या किया इसको इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया नहीं माना जाएगा यहां पर मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया एज वेल एज द एनी इनकम ऑफ एनी सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया भी मैं साथ में बोल रहा हूं मीस अगर इन्होंने इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया या इंडिया के बाहर कोई इनकम का सोर्स कमाने के लिए यूज किया तो फिर डीम टू बी अक्रूड अराइज़ इन इंडिया नहीं माना जाएगा अब एक और चीज समझना अगर यहां पर लोगों ने यह सर्विस दी किसी नॉन रेजिडेंट को दी जिसका नाम है होबो

ये जो है वो ओनली बिजनेस एंड प्रोफेशन में वो लोन यूज करता था पैसा तो ही डीम टू तो बी अक्रूड और अराइज़ इन इंडिया था लेकिन यहां रॉयल्टी एफटीएस में क्या है अगर इंडिया में किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज होता है या इंडिया में किसी भी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज होता है तो उस केस में वो लोगों के हाथ में डीम टू तो बी अक्रूड और अराइज़ इन इंडिया माना जाएगा तो देखो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना सबसे पहली चीज अगर कोई नॉन रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट को इंडियन गवर्नमेंट से रॉयल्टी एफटीएस मिलता है डीम टू बी अक्रूड बीड इन इंडिया किसी रेजिडेंट पर्सन से मिलता है डीम टू बी अक्रूड मिलताइज इन इंडिया बट गाइज यहां पे एक एक्सेप्शन है कि वो रेजिडेंट पर्सन ने इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया है या इंडिया के बाहर का कोई बिजनेस का सोर्स का कोई भी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया है तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा एक नॉन रेजिडेंट को दूसरे नॉन रेजिडेंट से रॉयल्टी एफटीएस मिलता है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया तभी माना जाएगा जब वो सर्विस है वो इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाई है या में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज हुई है तो ही वो डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया माना जाएगा उसके बाद में यहां पे एक कंसेप्ट ही आता है कि सर एक बड़ा सा सिंपल सा गवर्नमेंट का एक नोटिव पहली चीज तो कंप्यूटर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है ना वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब भी आप ट्रांसफर करते हो उसका जो भी पैसा मिलेगा वो हमेशा रॉयल्टी माना जाता है इसका एक नोटिफिकेशन ये बोलता है ये नोटिफिकेशन ये बोलता है कि भैया अगर मान लो आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा लेकिन वो रीसेल में खरीदा है मैं इस आगे वाले बंदे ने आगे से खरीदा था उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया और आगे वाला पर्सन है वो आपको एक डिक्लेरेशन दे देता है कि भैया उसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा था तो आगे वाले पर्सन का टी काट चुका है अंडर सेक्शन वन नाइंटी तो उस केस में आप जब रीसेल में उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को खरीदते हो तो उस केस में आपको उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है ये FTS एकदम सेम ऐसा का ऐसा जैसा रॉयल्टी लिखा हुआ है वैसा का वैसा ये यह में आ जाएगा एफटीएस का मतलब क्या होता है कि अगर आप को, कोई मैनेजरियल सर्विस देता है टेक्निकल सर्विस देता है कंसल्टेंसी सर्विस देता है तो मैनेजरियल टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विस है वो आपकी फीस वो टेक्निकल सर्विस में आ जाएगी लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां पे अगर कोई सैलरी एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का सर्विस जो है वो तुम्हारे एफटीएस में नहीं आता है करके उसके बाद में एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन नाइन वन

रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है एज पर द फेमा एक्ट फेमा एक्ट के हिसाब से इंडिया का रेजिडेंट नहीं है या फिर कोई पर्सन ऐसा है जिसको आरबीआई ने परमिशन देखे कोई भी एनआरई अकाउंट खोलने का परमिशन दिया एनआर मीन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट पे जो भी आपका इंटरेस्ट होता है ना वो इंटरेस्ट पूरा एक्सम्ड हो जाएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तो एनआरई अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट पूरा एक्जेंट हो जाएगा दो तरह के अकाउंट होते हैं एनआरई अकाउंट एक एनआरओ अकाउंट तो जो एनआरओ अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट होता है एनआरओ अकाउंट में जो अर्निंग आती है ना वो इंडियन अर्निंग आती है बट

और वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इनकम होती है कौन सी इनकम होती है इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट कौन दे रहा है इंटरेस्ट दे रहा है या तो इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट और किस पे ये इंटरेस्ट दे रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ द मनी बोरोड फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स रेफर्ड अंडर सेक्शन वन एलसी ड्यूरिंग द पीरियड सेवेंटीन सेप्टेंबर टू से लेकर और थर्टी मार्च टू के बीच में अब एक बात समझना हुआ क्या कि जो भी इंडियन कंपनीज है एज वेल एज द बिजनेस ट्रस्ट है उनको बोला कि आप आरडीबी इशू करिए रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है से वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इशू करिए और इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर इशू हुआ था 17 सितंबर 2018 इज नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे तो 17 सितंबर 2018 से लेकर और थर्टी मार्च टू के बीच में इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर इशू हुआ था तो इंटरेस्ट जो भी मिलता रहेगा ना लाइफ टाइम इस नॉन रेजिडेंट या फॉरन कंपनी को वो इंटरेस्ट है वो पूरा एग्जेम हो जाएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तो ये सेक्शन क्या बोलती है

सेक्शन ये यह ये बोलती है कि अगर कोई भी स्पेसिफाइड फंड है बट क्वेश्चन आता है स्पेसिफाइड फंड क्या होता है अभी मैं बताता हूं बट स्पेसिफाइड फंड को है ना कुछ इनकम एक्जेम्ट होगी यहां पे चार इनकम दे रखी है चार इनकम पूरी एक्जेम्ट हो जाएगी कोई भी टैक्सेबल नहीं होगी सर कौन कौन सी चार इनकम सबसे पहले अगर स्पेसिफाइड फंड को कैपिटल गेन होता है ऑन द ट्रांसफर ऑफ द असेट रेफर्ड अंडर सेक्शन 47 सेवन क्लॉज नंबर सेवन ए बी और ये 47 का क्लॉज नंबर सेवन ए बी है ये आप देखोगे कैपिटल गेन टॉपिक में और कैपिटल गेन टॉपिक में यहां पे 47 का क्लॉज नंबर सेवन ए बी दे रखा है कि आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड बेच देते हो या फिर आप uh, क्या बोलते हो उसको डेरेवेटिव बेच देते हो या फिर आपके फॉरिन करेंसी डिनोमिनेटेड शेयर बेच देते हो वगैरह वहां पर कुछ लिस्ट दे रखी है कि ये येट्स अगर आप बेच देते हो तो उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं लगता

द फॉरन करेंसी तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स है वो नहीं लगेगा वो पूरा एग्जेम्ट हो जाएगा स्पेसिफाइड फंड के हाथ में दूसरा अगर स्पेसिफाइड फंड को कैपिटल गेन होता है किस पे ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी अदर देन ऑफ द कंपनी कंपनी रेजिडेंट रेजिडेंट इन इंडिया जो इंडियन है उसको छोड़ के इंडियन रेजिडेंट कंपनी 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 है उसको छोड़ के 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 किसी किसी भी के, शे, आ, किसी भी शेयर या सिक्योरिटी अगर बेची जाती है और उस पर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तीसरा एनी इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटी इशूड बाय द नॉन रेजिडेंट अगर नॉन रेजिडेंट ने कोई सिक्योरिटी इशू की थी और नॉन रेजिडेंट की सिक्योरिटी पर इनकम होती है इनकम का मतलब यहां पर हो गया डिविडेंट और इंटर

स्पेसिफाइड फंड है और स्पेसिफाइड फंड को चार तरह की इनकम है वो पूरी एक्सेंट हो जाएगी टैक्सेबल नहीं होगी सर कौन सी चार तरह की इनकम सबसे पहली चीज तो अगर स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड फंड है वो फंड को कैपिटल गेन होता है ऑन द द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी दैट इज अंडर सेक्शन फोर्टी सेवन क्लॉज नंबर सेवन एप छह सात की लिस्ट दे रखी है वो वाली सिक्योरिटी अगर वो ट्रांसफर करते हैं उस कैपिटल गेन होगा वो पूरा एक्सेंट हो जाएगा अगर वो रिकॉग्नाइड स्टॉक एक्सचेंज आई एफ एस सी में लोकेटेड है वहां पर ट्रांसफर करते दूसरा अगर कोई भी दूसरी सिक्योरिटी ट्रांसफर करते अदर देन इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर अदर देन इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर जो इंडिया में रेजिडेंट कंपनी है उसको मतलब इंडियन कंपनी के शेयर को छोड़कर बाकी कोई भी सिक्योरिटी ट्रांसफर करते उस पर कैपिटल गेन होगा वो भी एक्जेंट हो जाएगा और तीसरा मैंने बोला कि कोई भी इनकम होती है जो नॉन रेजिडेंट ने सिक्योरिटी की थी उस इनकम होती है नॉन रेजिडेंट ने कंपनी के कोई कोई डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह है है उस पे कोई भी अगर इनकम होती है, तो वो इनकम एक्सेंट हो जाएगी मीनस इंडियन कंपनी वगैरह ने अगर कोई सिक्योरिटी इशू की थी तो उस उसपे जो इनकम होगी वो टैक्सेबल हो गया मैंने क्या बोला कि एनी इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी इशूड बाय द नॉन रेजिडेंट वो वाली जो इनकम है वो एक्जेम हो जाएगी और अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से जो पीजीबीपी हेड में जो चार्जेबल होता है इनकम वो इनकम एक्जेम्ट हो जाएगा किसके लिए स्पेसिफाइड फंड के लिए तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना अगर तो कोई स्पेसिफाइड फंड है स्पेसिफाइड फंड की चार इनकम है वो एक्समट है कौन कौन सी है पहला तो कैपिटल गेन होता है वो वाली सिक्योरिटी पे जो कि पेक्शन सेवन के 7A में notify, notify की हुई है. दूसरा अगर उनको कैपिटल गेन होता है किसी भी सिक्योरिटी को ट्रांसफर करने पे अदर देन इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर अगर उनको कोई इनकम होती है किसी भी नॉन रेजिडेंट ने सिक्योरिटी इशू की थी उस पर इनकम होती है या फिर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है वो ट्रस्ट से इनकम मिलती है वो एक्जेम हो जाएगी किसके हाथ में स्पेसिफाइड फंड के हाथ में बट आपका क्वेश्चन ये होगा स्पेसिफाइड फंड होता क्या है? स्पेसिफाइड फंड का मतलब होता है मैं यहां पे आपको शॉर्ट में बता देता हूं स्पेसिफाइड फंड का मतलब होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी नंबर थ्री जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी नंबर थ्री होता है और ये ऑल्टनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहां पे लोकेटेड होना चाहिए आईएफएससी में लोकेटेड होना चाहिए और इसके जितने भी यूनिट होल्डर है वो सब नॉन रेजिडेंट होने चाहिए करके ठीक है जितने भी यूनिट होल्डर है वो यूनिट होल्डर सब क्या होने चाहिए नॉन रेजिडेंट होने चाहिए तो आई में लोकेटेड होना चाहिए ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी थ्री का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और जितने भी यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट होने चाहिए स्पॉन्सर और फंड मैनेजर को छोड़ के बाकी जितने भी यूनिट होल्डर है वो यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट होने चाहिए अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसको हम स्पेसिफाइड फंड की कैटेगरी में ले लेंगे करके ठीक तो है तो देखिए अब एक बात समझना है यहां पर मैं बताता हूं स्पेसिफाइड फंड का डेफिनेशन दे रखा है तो स्पेसिफाइड फंड किसको बोलेंगे तो स्पेसिफाइड फंड मीन ऐसा फंड एस्टैब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ द ट्रस्ट है कंपनी है या फिर एल एल बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी फॉर्म में है विच हैजिन ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कैटेगरी थ्री ऑफ द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड डिशन विच इज लोकेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एंड ऑफ विच ऑल द यूनिट अदर देन यूनिट हेल्ड बाई स्पॉन्सर एंड मैनेजर को छोड़ के स्पॉन्सर एंड फंड मैनेजर को छोड़ के बाकी जो भी यूनिट है वो नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर होना चाहिए उसको स्पेसिफाइड फंड बोलेंगे लेकिन एक बात समझना इस बार से इन्होंने कमेंडमेंट किया इन्होंने बोला कि भैया स्पेसिफाइड फंड में एक तो ये तो आएगा ही ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी थ्री वाला इसके साथ साथ में इन्होंने बोला कि इस बार the investment division of the banking unit, अगर मान लो कोई बोलाटेड है का foreign bank है, foreign bank का मतलब है 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 कोई भी investment division है, और वो investment division अगर IFSC में located है, तो वो भी तुम्हारे स्पेसिफाइड फंड की कैटेगरी में आ जाएगा इस बार इन्होंने amendment किया तो इन्होंने क्या बोला देखो इन्वेस्टमेंट डिविजन ऑफ अगर उंड से पहले 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 उसको अपने चालू करने पड़ेंगे। तो आप ऐसे बोल सकते डेफिनेशन तो दे रखी है इन्वेस्टमेंट डिविजन ऑफ दऑप्सोर बैंकिंग यूनिट विच बिन अटेडिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एजेगरी वन ऑफ द फॉरन पोर्टफोलियो इनवेस्टर का उसके पास में सर्टिफिकेट है अंडर सेफपीआई रेगुलेशन टू थाउंडन अंडर दिन उसने भी अपना ऑपरेशन चालू किया है,

इनकम टैक्सेबल होगी अब एक चीज समझता है। ये जो स्पेसिफाइड फंड होता है ना इस स्पेसिफाइड फंड से जो भी यूनिट होल्डर को इनकम मिलती है वो यूनिट होल्डर के हाथ में पूरी एग्जेम हो जाएगी ये स्पेसिफाइड फंड के हाथ में ये चार इनकम एक्जेम बाकी वाली इनकम टैक्सेबल होगी और बाकी वाली इनकम कौन सी रेट से टैक्सेबल होगी मैं आपको सेक्शन में बताऊंगा बाकी वाली इनकम कौन सी रेट से टैक्सेबल होगी मैं वो आपको सेक्शन वन एडी में बताऊंगा बट मैं बता दू ये चार इनकम को छोड़ के बाकी वाली इनकम टैक्सेबल होती है वो कौन सी रेट से होती है वो मैं आपको सेक्शन वन वन में बताऊंगा लेकिन एक बात बताऊ ये स्पेसिफाइड फंड से जो भी यूनिट होल्डर को इनकम मिलेगा ना वो पूरा एक्जेम्ट हो जाएगा यह दे रखा है और टेन ट्वेंटी थ्री एफसीए क्या बोलता है कि अगर कोई यूनिट होल्डर है स्पेसिफाइड फंड का एनी इनकम ऑफ द यूनिट होल्डर फ्रॉम स्पेसिफाइड फंड ऑन द ट्रांसफर ऑफ द यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड या तो आपको इनकम होती है या फिर ऑन द ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड या तो इनकम मिलती है आपको वो पूरी हो जाएगी उसके साथ साथ में एनी इनकम इनकम मिल रही है या फिर आपने स्पेसिफाइड फंड के यूनिट ट्रांसफर कर दी उससे जो कैपिटल गेन होता है वो भी एक्सेंट हो जाएगा इन सिंपल वर्ड में बता दू तो, यहां पर आपको जो इनकम होती है वो इनकम भी एक्जेम होती है और अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है वो कैपिटल गेन भी एक्जेम्ट हो जाएगा किसको स्पेसिफाइड फंड

यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट होने चाहिए उस पर स्पॉन्सर मैनेजर को आप छोड़ दीजिए स्पॉन्सर मैनेजर को छोड़ के बाकी जितने भी यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट होने चाहिए अब एक चीज समझना यहां पर यूनिट होल्डर जितने भी है वो नॉन रेजिडेंट होने चाहिए लेकिन यहां पर एक नोट दे रखा है ये नोट क्या बोलता है कि अगर यूनिट होल्डर पहले नॉन रेजिडेंट तो था लेकिन हो सकता है ना इस साल मान लो रेजिडेंट बन गया जब उसने यूनिट खरीदी थी उस टाइम तो वो नॉन रेजिडेंट था लेकिन अभी वो रेजिडेंट बन गया तो क्या होगा सर? वो फंड में आएगा या नहीं आएगा तो ड्यूरिंग द प्रीवियस यर, इन विच यूनिट वर इशूड जब यूनिट इशू की थी तब तो नॉन रेजिडेंट था लेकिन उसके बाद में वो रेजिडेंट बन गया एज पर सेक्शन सिक्स वन और सिक्स वन ए सिक्स वन मतलब नॉर्मल रेजिडेंट सिक्स डीम्ड रेजिडेंट बन गया इंडिया का इन प्रीवियस ईयर सबसिक्वेंट टू दैट प्रीवियस ईयर अगले साल जाके किसी और प्रीवियस ईयर में वो जाके अगर मान लो रेजिडेंट बन गया एंड उसके साथ में एग्रीगेट वैल्यू एंड नंबर ऑफ यूनिट हेल्ड बाई सच रेजिडेंट यूनिट होल्डर और होल्डर डू नॉट एक्सेट ऑफ टोटल यूनिट ई शुड एंड फुलफिल सच अदर कंडीशन एज में प्रिक्राइब और एक चीज समझना यहां कंडीशन क्या डाली यूनिट होल्डर द रेडेंट यूरिंग द एनी सब सिक्वेंट प्रीवियस ईयर शेल सीज टू बी एनिट होल्डर ऑफ सच स्पेसिफाइड विदिन द पीरियड ऑफ थ्री मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रवियस इयर इन विच ही बिकेम द रेजिडेंट तो देखो बेटा यहां पर यह क्लेरिफिकेशन क्या बोलता है कि पहले अगर कोई भी पर्सन था जो यूनिट होल्डर था और वो नॉन रेजेंट था और वो नॉन रेजिडेंट था तब उसको स्पेसिफाइड फंड ने यूनिट है वो अलॉट की थी लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि वो बंदा रेजिडेंट बन गया तो रेजिडेंट बन गया तो ये कंडीशन तो वायलेट हो गई इन्होंने बोला डोंट वरी ये कंडीशन नहीं एप्लीकेबल होगी अगर उस रेजिडेंट बनाना उस यूनिट होल्डर के पास में टोटल यूनिट्स की फाइव से ज्यादा यूनिट नहीं होनी चाहिए एक चीज जिस ईयर में रेजिडेंट बना उस प्रीवियस ईयर के एंड अंदर अंदर, पड़ेगा थ्री मंथ के अंदर अंदर उसको अपनी यूनिट से उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेता है तो भैया यहां पर यह जो सी वाला पॉइंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा उसके बाद में एक सेक्शन होती है टेन फोर ई करके

उसको लीज पे दिया है और उसका जो भी रॉयल्टी या इंटरेस्ट मिल रहा है वो पूरा एग्जेम्ट हो जाएगा तो देखिए एक नॉन रेजिडेंट है उसने क्या किया है एयरक्राफ्ट या शिप किसी आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट को लीज पे दिया है तो उससे जो भी लीज रेंट मिलेगा जो भी उसको यहां पे बहुत सारी डी है जिसमें इंटरेस्ट बोला जाता है रॉयल्टी बोला जाता है तो उसको जो भी लीज रेंट मिलेगा उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा वो पूरा एक्सेंट हो जाएगा तो देखिए क्या दे रखा है एनी इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी और इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लीज ऑफ एन एयरक्राफ्ट और शिप इन अ प्रीवियस ईयर पेड बाय यूनिट ऑफ इफ बाईन ऑपरेशन टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और एयरक्राफ्ट में क्या क्या आता है एयरक्राफ्ट में हेलीकॉप्टर भी आ जाता है

और पोर्टफोलियो मैनेज करने के से, से अगर कोई भी इनकम होती है किसको तो जो नॉन रेजिडेंट को जो इनकम मिलेगी उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा अगर वो इनकम कोई ऐसी इनकम है जो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं है तो एक बात समझते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है अगर कोई नॉन रेजिडेंट को इनकम होती है किससे इनकम फ्रॉम द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी या फाइनेंशियल प्रोडक्ट और ऑफ फंड मैनेज और एडमिनिस्ट्रेड बाय द एनी पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ सच नॉन रेजिडेंट तो नॉन रेजिडेंट ने आई में लोकेटेड कहीं पे जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर है in account maintained with the OBU, OBU means offshore banking unit, in IFSC as referred in section 80LA to the extent of such income accrue or arise outside India and not deemed to be accrue or arise in India, तो वो वाली income जो non resident को मिलेगी वो exempt हो जाएगी। एक example लेते हैं, जैसे non resident है, उस बंदे का नाम है Mr. Sam। अब एक बात समझना, Sam ने क्या किया? IFSC में located कोई offshore banking unit है? मिस फॉरेन का कोई बैंक है मान लो ठीक है और फॉरेन का कोई बैंक है उसका ऑप्सोर बैंकिंग यूनिट है वो कहां पे है ओबीयू में है ऑप्सोर बैंकिंग यूनिट है वो आईएफएससी में है अब आईएफएससी में लोकेटेड ओबीयू का जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन होता है उसमें उसने पैसा लगाया अब एक बात समझना जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसने जो इनकम कमाई है वो इनकम मान लो इंडिया के बाहर से कमाई है तो इंडिया के बाहर से कमाई और वही वाली इनकम जब नॉन रेजिडेंट को मिलेगी तो वो एक्जेम हो जाएगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं हम क्योंकि आईएफएससी को प्रमोट करने के लिए जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उसको प्रमोट करने के लिए ये सब चीजों की एक्जेम्पन लाई गई है तो यहां पर एक नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट को इनकम होती है पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी या फाइनेंशियल प्रोडक्ट से ऑन बिहाफ ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर और मैनेजर जो काम कर रहा है वो कहां पर ओबीओ में कर रहा है करके ठीक है ओबीओ आई में लोकेटेड जो ओबीओ ऑफ्सर बैंकिंग यूनिट है उसको इनकम होती है और वो इनकम जो है टू द एक्सटेंट सच इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड नॉट डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया तो वो इनकम जब नॉन रेजिडेंट को मिलती है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इन सिंपल वर्ड वापस बोल रहा हूं एक सैम करके एक बंदा है जो नॉन रेजिडेंट है उसने क्या किया ओबीओ में इन्वेस्ट किया जो आई में लोकेटेड है और ओबीओ ने उस पैसे को मान लो इंडिया के बाहर लगाया है और इंडिया के बाहर लगाया और वो वाली जो इनकम है वो जब इसको मिल रही है नॉन रेजिडेंट को तो उस पर इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा दैट इज द सेक्शन टेन फिफ्टीन का क्लॉज नंबर नाइन अब यहां सेक्शन याद रहे ना रहे कंसेप्ट याद रखने की थोड़ी बहुत कोशिश करना अब एक बात समझता है यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट ने क्या किया पैसा उधार दिया है किसी भी यूनिट लोकेटेड इन आई को Miss, IFSC में लोकेटेड कोई भी यूनिट है और उसको पैसा उधार दिया है तो उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ना वो इंटरेस्ट उस नॉन रेजिडेंट के हाथ में पूरा हो जाएगा मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना अगर कोई नॉन रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट ने क्या किया है आई में लोकेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड कोई पर्सन है उसको पैसा उधार दिया है miss, उसने मनी बोरो की है और उस पर जो इंटरेस्ट जाएगा वो इंटरेस्ट पूरा एक्सेंट हो जाएगा तो देखो एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय यूनिट लोकेटेड इन एस इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड बाय इट ऑन और फर्स्ट सेप्टेंबर टू थाउंडीन तो उसके बाद में जो

वो सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए ना क्योंकि वो 365 डेज इंडिया में ही बैठे हैं, वो रेजिडेंट बन गए ऑर्डनरी रेजिडेंट बन गए तो उनकी तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए बट मेकर्स बोलते हैं उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लेंगे तो जो भी फॉरन के key... जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स है या फिर कॉन्सलेट है उनके जो स्टाफ है उनको जो भी रेम्यूरेशन मिलता है वो रेम्यूरेशन इंडिया में डीम इंडिया में जो है वो इसमेंट हो जाएगा इस सेक्शन में हो जाएगा उस पर नहीं लेंगे यहां पर देखो नॉन रेजिडेंट वर्ड यूज नहीं किया यहां पर सिर्फ बोला इंडिविजुअल नॉट बी इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए वो इंडिविजुअल है वो इंडिया में रह रहा है तो वो रेजिडेंट तो बन गया बट तो भी यहां पे एक्जेंशन मिलेगी वो रेजिडेंट ऐसा नहीं है कि ये जो मैं आपको लिस्ट पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ नॉन रेजिडेंट को ही मिलती है ऊपर जहां पर भी दे रखा था वो मोस्टली नॉन रेजिडेंट था बट यहां पर बेटा एक समझना ये इंडिविजुअल है ये रेजिडेंट इन इंडिया हो सकता है ये नॉन इंडियन सिटीजन होना चाहिए इसको जो भी रेमुनरेशन मिलेगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा लेकिन इसकी दो कंडीशन है पहली कंडीशन तो ये है कि भाई जिस कंट्री में जिस कंट्री का वो पर्सन है जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है उस कंट्री में जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनको जो रेमुनरेशन मिलता है वो भी एग्जम्प्ट होना चाहिए जो हमारे डिप्लोमेट्स उस कंट्री में काम करते हैं उनको जो रेम्यूनोरेशन मिल रहा है वो भी एक्जेम होना चाहिए और दूसरी कंडीशन यह है कि ये जो पर्सन यहां है इंडिया में वो पर्सन इंडिया में और कोई बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में नहीं है अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसको जो भी रेम्यूनोरेशन मिलेगा वो पूरा एक्जेम्ट हो जाएगा तो मैंने क्या बोला अगर कोई इंडिविजुअल है जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो फॉरन डिप्लोमेट्स है इंडिया में काम करता है फॉरन काउंसुलेट्स है और वो इंडिया में काम करता है तो उसको जो भी रेम्योनोरेशन मिलेगा वो पूरा एक्जेम हो जाएगा इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा कंडीशन है वो दो पहली कंडीशन तो वो जिस कंट्री का है उस कंट्री में जो हमारे लोग हैं उनको जो ेशन मिलता है वो भी एक्जेम होना चाहिए उस कंट्री के टैक्स लॉ के हिसाब से और दूसरी कंडीशन वो इंडिया में और कोई बिजनेस या प्रोफेशन में एंगेज नहीं है अब एक और चीज समझना नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो पर्सन भी नॉट बिंग इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन नहीं है अगर मान लो कोई फॉरेन एंटरप्राइज का कोई बंदा है और वो इंडिया में किसी बिजनेस पर्पस के लिए आता है कोई फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय वो इंडिया में किसी बिजनेस पर्पज के लिए आता है और इंडिया में जो उसका टोटल स्टे है वो नाइन्टी डेज से ज्यादा नहीं है तो उस केस में उसको जो रेम्यूरेशन मिलेगा वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा वो आपका पूरा एक्जेम हो जाएगा आई कैन टेक एक्साम्पल जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है वॉलमार्ट वॉलमार्ट करके जो है वो यूएस का कंपनी है अब वॉलमार्ट ने क्या किया अपने दो एम्प्लॉय को इंडिया भेजा के जाके देख के आओ कि यहां पे बिग बाजार कैसे चलता है यहां पे डी मार्ट कैसे चलता है तो वो आए यहां पे दो एम्प्लॉय और यहां पे फॉर एन एक्साम्पल सिक्सटी डेज के लिए वो इंडिया में रहे सिक्सटी सेवेंटी डेज के लिए वो इंडिया में रहे और उसके बाद वो वापस चले गए तो जब वो इंडिया में थे तब भी तो उनको फॉरन कंपनी से सैलरी मिल रहा था वॉलमार्ट से आंसर इज यस तो क्वेश्चन ये आता है क्या ये सैलरी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा आंसर इज नो ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा तो मैंने क्या बोला एक बात समझना अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो सैलरी एम्प्लो है जो फॉरन

इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में उसको कहीं पे भी डिडक्शन नहीं लिया हो अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में क्या होगा अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में क्या होगा जो भी रेम्यूनरेशन उस एम्प्लॉय को मिलेगा वो पूरा एग्जेम्ट हो जाएगा इंडिया में उस पर टैक्स नहीं लगेगा नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन यह बोलती है कि बहुत बार कोई इंडिविजुअल है जो नॉन रेजिडेंट एंड हु इज नॉन सिटीजन ऑफ नॉन रेजिडेंट के साथ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सैलरी एम्प्लॉय क्या करता है फॉरेन शिप पे काम करता है और फॉरेन शिप पे अगर काम करता है और इंडिया इंडिया में उसका टोटल नंबर ऑफ डेज स्टे इन है वो नाइनटी डेज से ज्यादा नहीं है तो उसको जो भी रेम्योनरेशन मिलेगा वो पूरा एक्जेंट हो जाएगा उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा जैसे फॉरन की शिप है वो इंडियन पोर्ट पर आती है और इंडियन पोर्ट पर आती है तो बहुत बार ऐसा रहता है ट्वेंटी डेज थर्टी डेज वन वन मंथ टू टू मंथ तक वो यहीं पर पड़ी रहती है इंडियन पोर्ट पर पड़ी रहती है तो क्वेश्चन ही आता है कि उनके एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलेगी वो

और टेक्निकल सर्विस किसको दी है एनटीआर को टीआरओ का मतलब होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट का एक जिसका नाम है एनटीआर कोई को भी ऐसे टेक्निकल सर्विस दी किसने किसी नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी ने तो उसको जो भी रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलेगा ना वो पूरा एक्ज हो जाएगा उस पर कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा तो उन्होंने कोई सर्विस दी उसके लिए रॉयल्टी मिल रहा है और वो सर्विस किसको दी है टीआर को दिए गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर कोई सर्विस दी है तो उससे जो भी इनको गवर्नमेंट से जो भी मिलता होगा

और वो क्या करती है इंडिया में किसी को क्रूड ऑयल सेल करती है और इंडिया में आके और इंडियन करेंसी में पैसा कलेक्ट करती है तो जो इनकम होगी ना वो पूरी एग्जाम क्योंकि इंडिया में आके और इंडियन करेंसी में अगर वो पैसा जो है वो पैसा अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में उनकी जो इनकम है वो पूरी एक्जेम्ट हो जाएगी क्योंकि फॉरेन कंपनीज को बोला था कि आप क्रूड ऑयल बेचते हो अगर आप इंडिया में आके इंडियन करेंसी ले जाते हो करके ठीक है तो उस केस में इक like, uh, हम आपको आपसे ऑयल खरीदेंगे एंड ऑल उनके साथ में ऐसे अग्रीमेंट हुए थे जो फॉरेन की जो ऑयल वाली कंपनी थी उनके साथ में तो उनको फॉरेन कंपनी को इंडिया में आते हैं और इंडिया में क्रूड ऑयल सेल करते हैं और इंडिया से पैसा कलेक्ट करते हैं तो उस केस में और इंडियन करेंसी में कलेक्ट करते हैं तो जो भी इनकम है वो पूरी एग्जेम्ट हो जाएगी इंडिया में कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा तो देखो क्या लिखा हुआ है इनकम रिसिव्ड इन इंडिया इन द इंडियन करेंसी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन द इंडियन करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ क्रूड ऑयल और एनी अदर गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस एज मे बी नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बी And 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 foreign company and foreign company company agreement should be notified by the central government in the national interest यहाँ पे central government है वो agreement को notify करेगी तो India में आती है और इंडिया में क्रूड ऑइल सेल करती है और इंडिया में पैसा अगर इंडियन करेंसी में कलेक्ट करती है तो जो भी इनकम है वो पूरी एक्जेम हो जाएगी कोई टैक्सेबल नहीं होगी अब एक बात समझना नेक्स्ट सेक्शन section ये बोलती है कि अगर कोई foreign कंपनी है फॉरेन कंपनी जो फॉरेन की जो ऑयल वाली कंपनी है ना उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो इनको बोला इंडिया में कि इंडिया में आके आप एक काम करिए इंडिया में अपने पास लैंड ही लैंड है तो आप एक काम करिए यहां पे स्टोरेज फैसिलिटी बनाइए आप क्या करिए यहां पे स्टोरेज फैसिलिटी बनाइए और स्टोरेज आप अपनी ऑयल को यहाँ पे स्टोर करिए तो उन फॉरन कंपनी ने क्या किया कि इंडिया में ऑयल को स्टोर किया गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट किया और स्टोरेज फैसिलिटी से उन्होंने अगर किसी रेजिडेंट को अगर यहाँ पे ऑयल बेचा और उससे जो भी इनकम होगी वो पूरी एग्जेम्ट हो जाएगी तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द स्टोरेज स्टोरेज ऑफ क्रूड फैसिलिटी अब एक बात समझना क्या अग्रीमेंट तो था उस फॉरन कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में के इंडिया में आके क्रूड ऑल को स्टोर करो और उससे फिर सेल करो लेकिन वो अग्रीमेंट खत्म हो गया अब अग्रीमेंट जैसे ही एक्सपायर हो जाता है उसके बाद में जो अनसोल्ड स्टॉक है उसका क्या होगा There may be ना, या तो एग्रीमेंट खत्म हो गया एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया तो उसके बाद में जो अनसोल्ड स्टॉक है ना तो वो बेचाना उससे जो इनकम होगा वो भी पूरा एक्ज हो जाएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ड्यू टू सेक्शन टेन फोर्टी थ्री टेन सेक्शन क्या बोलती है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द लेफ्ट ओवर स्टॉक ऑफ द क्रूड ऑयल फ्रॉम द फैसिलिटी इन इंडिया आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अग्रीमेंट और द अरेजमेंट और एंड द टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट और अरेंजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द द टर्म्स मेंशन देयर इन एज केस मे बी सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन एज मे बी नोटिफाइड अब एक बात समझना एक सेक्शन है 1048 सी 1048 सी क्या बोलती है कि इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ये गवर्नमेंट की कंपनी है आईएसपीआरएल इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ये कंपनी क्या करती बता है बताए कि जो भी क्रूड ऑयल आता है उस क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करके और जो फैसिलिटी रहती है जहां क्रूड ऑयल स्टोरेज होता है वहां पे वो स्टोर करती है क्रूड ऑयल लाके और वापस से उस जो फिलिंग स्टेशन है जहां पे क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा स्टोर होता है वहां पे जाके और वो लोग क्या करते हैं उसको फील करते हैं तो उनकी जो इस एक्टिविटी से इनकम होती है वो इनकम पूरी एक्जेम हो जाएगी तो देखो क्या लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम अरेंजमेंट फॉर द रेप्लेसमेंट ऑफ द क्रूड ऑयल रेप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया जो आपका चेंज करना मिस आपका क्रूड ऑयल खत्म हो गया फिर वापस से उसमें भरना दैट इज कॉल्ड रेप्लेसमेंट एक्टिविटी अगर वो ऐसा करते हैं उससे जो भी इनकम होगी वो पूरी एक्जेंट हो जाएगी तो क्या लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम अरेंजमेंट फॉर रेप्लेसमेंट ऑफ क्रूड ऑयल स्टोर्ड इन

थ्री इयर्स के अंदर अंदर है वो वापस से उसको क्या करना पड़ेगा क्रूड ऑयल को फील करना पड़ेगा तो उस में ही ये exemption मिलेगी, otherwise ये मिलेगी अदरवाइज अदरवाइजन नहीं मिलेगी तो मैं आपको बताऊं यहां पे मैंने चार एक्शन पढ़ाई 1048, 1048 1048 1048 ए बी सी अब एक बात टेन फोर्टी वो सिर्फ फॉरेन कंपनी को मिलती है वो क्या करती है इंडिया में क्रूड ऑयल सेल करते हैं और इंडिया में आके इंडियन करेंसी में पैसा कलेक्ट करते हैं इनकम है वो पूरी एक्जेम हो जाएगी दूसरा ये फॉरन कंपनी क्या करती है इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटी है वो डालते हैं और इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटीज है फिर रेजिडेंट पर्सन

यर में पहली बार क्रूड ऑयल उस फैसिलिटी से निकाला गया उस ईयर के एंड से थ्री ईयर के अंदर अंदर इनको रिप्लेनिशमेंट करना पड़ेगा करके ठीक है एक सेक्शन है टेन ट्वेंटी थ्री एफ ई करके और ये सेक्शन क्या बोलती है हमारे मोदी जी को ये लगता है कि इंडिया का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया जाए तो इंडिया डेवलप हो जाएगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे जो फॉरेन फंड्स फॉरन उसको बोल रहे हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाओ तो यहां पे इन्होंने क्या बोला एक तो जो होली ओन सब्सिडी ऑफ द अबु धा इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो अबुधाबी है उनके पास तो पैसा ही पैसा है करके ठीक है तो अबुधाबी जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उनको बोला ज वेल एज बहुत सारे फॉरेन के जो सोवरेन वेल्थ फंड है उनको बोला एंड बहुत सारे फॉरेन के पेंशन फंड है जैसे इंडिया में एक पेंशन फंड है ना जिसको नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं या न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम बोलते हैं वैसे फॉरेन कंट्री के भी बहुत सारे पेंशन फंड है फॉरेन कंट्री के सोवरेन वेल्थ फंड है और यह अबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जो सब्सिडरी कंपनी है इनको बोला कि आप इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में इन्वेस्ट करिए इंडियन इंफ्रा में इन्वेस्ट करिए हम आपको जो भी डिविडेंट होगा इंटरेस्ट होगा एलटीसीजी होगा पूरा एक्सेंट कर देंगे आपको जो भी इंडिया से डिविडेंड मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा एलटीसीजी मिलेगा इनकम में डिविडेंड इंटरेस्ट मिल सकता है बेचने से अगर आप शेयर वगैरह बेचोगे एलटीसीजी हो सकता है वो पूरा एक्जेंट कर देंगे हम कुछ भी टैक्स नहीं लेंगे आपसे तो ये अबू धाबी वालों को एक तो मोटिवेट किया और वहां की जो होली ऑन सब्सिडरी कंपनी ऑफ द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसको बोला तुम इन्वेस्ट करिए

आपको एक तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट अप्रैल 2020 से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च टू के बीच में और दूसरा वो इन्वेस्टमेंट आपको एटलीस्ट थ्री ईयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा हेल्ड करना पड़ेगा ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो वो अबूधाबी हाँ इन्वेस्टमेंट वाला और फॉरेन के जो सोवरेन फंड है फॉरन के जो पेंशन फंड है उनको जो ये इनकम होगी वो एक्जेम्ट हो जाएगी कौन कौन सी इनकम डिविडेंड एग्जेट है इंटरेस्ट एक्जेटीसीजी भी एग्जेम है लेकिन सर इन्वेस्ट करना कहां है वो तो बता दो तो इन्वेस्ट कहां करना है या तो आप एक काम करिए बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करिए उनको बोला कि आप बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करिए बिजनेस ट्रस्ट होते तो दो तरह के एक तो होता है रेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपको ये एक्सेंशन मिलेगी आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे वो ग्रिड ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं करके ठीक है ग्रिड फंड वगैरह आपने देखा होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह बनाते हैं उनमें पोर्ट बनाते हैं एयरपोर्ट बनाते हैं वो वाले इन्वेस्टमेंट फंड में आप इन्वेस्ट करिए तब हम आपको एक्जेंशन देंगे या फिर आप एक काम करिए एंट्री कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग और डेवलपिंग ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आप उसमें इन्वेस्ट करिए

तीसरा आप एक काम करिए इन्वेस्ट किसमें करिए कैटेगरी वन और टू ऑफ द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में करिए लेकिन वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा हैविंग मिनिमम 50 परसेंट इन्वेस्टमेंट इन द वन और मोर एंटिटी रेफर इन द क्लॉज नंबर बी मीस या तो अंबानी अदानी में वो 50 परसेंट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो इन्वेस्ट करेगा और आइटम डी एंड इन द और इन द बिजनेस ट्रस्ट दैट इज द आई एनवीआईटी इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक काम करिए आप कैटेगरी वन और टू ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करिए और ये क्या करेंगे इनके पास जितना भी पैसा है ना जो आएगा ना उसमें से उसमें से 50 परसेंट या उससे ज्यादा है वो A में बी में डी में या ई e में इन्वेस्ट करेंगे तो उस उस केस में वाले में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट फंड में कोई दिक्कत नहीं या फिर आप एक काम करिए किसी डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करिए डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करिए जो सेटअप और रजिस्टर्ड हुई है फर्स्ट अप्रैल 2021 के बाद में और उसमें मिनिमम 75 परसेंट इन्वेस्टमेंट है वो

से लेके और 31 मार्च 2024 के बीच में करके ठीक है सेकेंड कंडीशन आपको इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट थ्री ईयर के लिए होल्ड करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट कहां का है या तो बिजनेस ट्रस्ट में कर लीजिए या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कंपनी होती है उसमें कर लीजिए या फिर आप एक काम करिए किसी इन्वेस्टमेंट फंड में करिए बट इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा एटलीस्ट जो फिफ्टी है वो इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में वगैरह करेगा और या फिर आप किसी डोमेस्टिक कंपनी में करिए और वो डोमेस्टिक कंपनी ने क्या किया पता है फाइव जो पैसा है वो कहां लगाया उसने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में लगाया या फिर आप एक काम करिए किसी एनबीएफसी में इन्वेस्ट करिए और एनबीएफसी ने अपना नाइनटी और मोर का जो लैंडिंग है वो किसी

नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है एनआरआई एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन अब एक बात समझना ये एनआरआई किसको बोलते हैं आप बहुत बार बोलते हो ना एनआरआई है वो एनआरआई का मतलब क्या होता है क्या सिर्फ नॉन रेजिडेंट होता है आंसर इज नो एनआरआई किसको बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट है मीस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नॉन रेजिडेंट है अलोंग विद दैट पर्सन इज इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है इंडियन सिटीजन मीस भारत का नागरिक है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन मीन उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का भी जन्म है वो अन्डिवाइडेड इंडिया में हुआ था तो उसको बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन तो एक बात समझना कोई पर्सन है वो एनआर है और एनआर के साथ में वो पर्सन इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है तो उस केस में उस पर्सन को हम बोलेंगे एनआरआई करके ठीक है अब एक चीज समझना यह चैप्टर होता है चैप्टर ट्वेल्व ए करके और यह चैप्टर है ना दिस चैप्टर इज बेसिकली

उस टेन परसेंट से टैक्स इन्वेस्टमेंट की इनकम होगी उसपे ट्वेंटी परसेंट से टैक्स और जो भी बाकी वाली इनकम रहेगी उस पे आपका नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगेगा लेकिन आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर फॉरेक्स असेट का मतलब होता क्या है सो so, फॉरेक्स असेट का मतलब एनआरआई ने क्या किया कि असेट है, है, है फॉरेन एक्सचेंज में मीन की है लेकिन कौन कौन सी असेट यहां पे बेटा ओनली आपकी फाइव असेट कवर होगी एक तो तुम्हारा शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी मीस इंडियन कंपनी के शेयर है वो इंडियन पब्लिक कंपनी है इंडियन प्राइवेट कंपनी है कोई भी कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर है दूसरा अगर डिबेंचर ऑफ द इंडियन पब्लिक कंपनी और डिपोजिट विद द इंडियन पब्लिक कंपनी और तीसरा आपका सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और चौथा एनी अदर मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट तो कुल मिला एक बात बताऊं यहां पर तीन ही असेट हुई ऐसे याद रखने जैसी पहला तो शेयर ऑफ द इंडियन कंपनी मीन इंडियन कंपनी के शेयर है उसके पास इंडियन पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो कोई भी कंपनी कंपनी इंडियन के शेयर दूसरा क्या है इंडियन पब्लिक कंपनी के या तो डिबेंचर है या डिपोजिट है और चौथा तुम्हारा क्या रहेगा सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो देखो इंडियन कंपनी के शेयर है या फिर तुम्हारा इंडियन पब्लिक कंपनी के डिबेंचर है डिपोजिट सर्टिफिकेट है डिपोजिट है या डिबेंचर है या फिर सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो है यह तीन अट जो है वही तुम्हारे फॉरेक्स अट में आएगी तो देखो अगर एनआरआई है एनआरआई ने क्या किया फॉरेक्स असट एक्वायर की फॉरेक्स में कौन कौन सी एसेट आएगी पहला तो इंडियन कंपनी के शेयर है वो आएंगे दूसरा इंडियन पब्लिक कंपनी के डिबेंचर है या डिपोजिट है वो आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आएगी अब एक चीज समझना ये वाली जो इनकम होगी ना इन पे ये लोग बोलते हैं कि अगर इनको बेचने से फॉरेक्स फॉर को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इट विल बी टैक्सेबल ओनली एट द रेट टेन परसेंट और अगर इन्वेस्टमेंट का इनकम हुआ मीनस उस पर डिविडेंड मिला शेयर पे डिविडेंड मिला या जो तुम्हारे डिपोजिट था या तुम्हारा डिबेंचर था उस पर जो इंटरेस्ट मिला दैट इन्वेस्टमेंट इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट ट्वेंटी लेकिन यहां पर एक चीज समझता बेटा सेक्शन डी ये बोलती है कि जब भी आप ये इन्वेस्टमेंट इनकम निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट इनकम मीन डिविडेंट या इंटरेस्ट है उसके केस में कोई भी आपको एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा मीन कोई भी खर्चे का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा एज वेल एज द चैप्टर डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी लेकिन एक चीज समझना जो भी एलटीसीजी रहेगा वो एलटीसीजी के सामने भी आपको अंडर चैप्टर सिक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा लेकिन एलटीसीजी के सामने आपको फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन फोर्टी का बेनिफिट मिल जाएगा जो अपन कैपिटल गेन को कन्वर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में और वो फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करते हैं और जो भी आता है कैपिटल गेन उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं दैट इज द फर्स्ट प्रोवाइज टू सेक्शन 48 जो सनी वाला प्रोवाइजो है वो प्रोवाइजो का बेनिफिट यहां पे आपको मिल जाएगा लेकिन ध्यान रखना इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर फॉरेक्स एसेट है फॉरेक्स एसेट का मतलब क्या होता है या तो इंडियन कंपनी के शेयर है या फिर इंडियन पब्लिक कंपनी के डिवेंचर डिपोजिट डिपोजिट्स है या फिर आपके पास में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो एनआरआई के पास में ऑप्शन है कि वो पे कर सकता है एल पे टेन टैक्स और आपका जो भी तुम्हारा

जैसे कोई एनआरआई था एनआरआई ने क्या किया रिलायंस के शेयर बेचे और उसने फिर क्या किया उसी पैसे से टाटा के शेयर खरीद लिए तो एक्जन मिल जाएगा और यहां पर एक्सम्शन फिफ्टी फोर जैसे मिलेगा कैसे एलटीसीजी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू फोरेक्सट डिवाइड आपको ने मिल जाएगी तो मैंने क्या बोला देखो यहां पे सेक्शन वन वन एफ है वो ये बोलती है कि अगर आपको एलटीसीजी होता है फॉरेक्स पे और वो आपका एग्जाम हो जाएगा अगर आपने सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको क्या खरीदना है कोई दूसरा फॉरेक्स असट खरीदना है या फिर सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने हैं अंडर सेक्शन टेन फोर बी वाले सो अंडर सेक्शन टेन फोर बी वाले सेविंग सर्टिफिकेट एक बहुत पुराने आते थे अभी मार्केट में है नहीं बट अगर वो सेविंग सर्टिफिकेट आप खरीदते हो या फिर फॉरेक्स असेट खरीदते हो तो उस केस में आपको एक्जेम्शन मिल जाएगी एग्जामेशन कैसे मिलेगी एल टीसी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यूस डिवाइड बाई नेट कंसिडरेशन बेसिस पे अब एक और चीज समझना जो भी आप नई फॉरेक्स अट खरीदते हो ना वो फॉरेक्स अट फिर आपको थ्री इयर्स तक ट्रांसफर नहीं करनी है उस पर लॉक इन पीरियड लग जाएगा थ्री इयर्स का अगर आपने थ्री इयर्स में ट्रांसफर कर दी तो उस केस में क्या होगा जितना आपने एग्जामिशन पहले लिया था वो वापस से आपके लिए एलटीसी बन जाएगा ईयर ईयर में में जिस में आपने वायलेशन किया उसके बाद में एक और चीज समझना अगर कोई भी ऐसा एनआरआई है जिसको सिर्फ दो ही इनकम है फॉरेक्स एसेट पे या तो एल है या फिर फॉरेक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट का इनकम है सिर्फ दो ही इनकम है फॉरेक्स एसेट पे एलटीसीजी और इन्वेस्टमेंट का इनकम और उस पर अगर टीडीएस कट चुका है तो उस एनआरआई को इंडिया में रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है उस एनआरआई को इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना वो पहले एनआरआई पहले नॉन रेजिडेंट था लेकिन मान लो करंट ईयर में वो रेजिडेंट बन गया तो रेजिडेंट बनने के बाद भी क्या ये स्पेशल प्रोविजन के साथ वो कंटिन्यू कर सकता है क्या वो ऐसा बोल सकता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को प्लीज आप ट्वेंटी से टैक्सेबल करते रहो ना आंसर इज यस वो ऐसा बोल सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अगर वो एनआरआई पहले नॉन रेजिडेंट था अब वो रेजिडेंट बन गया तो भी ये इसी प्रोविजन के साथ में जो एनआरआई के लिए स्पेशल प्रोविजन है इसके साथ में वो कंटिन्यू कर सकता है जब तक कि उसके पास फॉरेक्स एसेट है तो वो वाली फॉरेक्स एसेट जब तक उसके पास है वो इन्वेस्टमेंट इनकम पे 20% की रेट से टैक्स पे कर सकता है लेकिन जैसे वो इन्वेस्टमेंट को बेच देगा उसके बाद ऑब्वियसली ये बेनिफिट नहीं मिलेगा एक और चीज समझना ये सेक्शन में ये जो टॉपिक में मैंने आपको जो भी बताया वो ऑप्शनल है अगर वो चाहे तो ये टॉपिक ले सकता है अदरवाइज वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स भी पे कर सकते हैं अब अपन यहां पे पढ़ने वाले कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स फॉर द नॉन रेजिडेंट कुछ नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ स्पेशल रेट्स होती है और ये तुम्हारा चैप्टर होता है ट्वेल्व करके अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा दैट वॉज अ चैप्टर नंबर ट्वेल्व ए और अभी एक चैप्टर पढ़ने वाले दैट इज चैप्टर नंबर टेल्व और यहां पे अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना ये मैंडेटरी सेक्शन है ऊपर जो अभी एनआरआई वाला पढ़ा है वो ऑप्शनल था बट यहां पे ये मैंडेटरी है ये मैडेटरी सेक्शन है दैट इज द की और 115 क्या बोलता है है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट या कंपनी और उस नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को इंडिया से क्या मिलता है या तो इंटरेस्ट मिलता है रॉयल्टी मिलती है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलती है तो जो भी इंटरेस्ट है रॉयल्टी है एफटीएस है डिविडेंड है वो कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा वो अपन यहां पे सीखने वाले हैं तो एक 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 चीज समझेंगे आप ध्यान देना आप सब लोग इधर ध्यान देना कि अगर कोई भी सबसे पहला अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है और वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने पैसा लगाया कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में ये इंडिया में एक फंड होता है, जिसको गवर्नमेंट ने उसको एक्जेप भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की इनकम एक्सम होती है आप एक बात समझिए अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने पैसा दिया फंडिंग किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को जो इंटरेस्ट मिलता है ना क्योंकि उन्होंने लोन दिया किसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ने अगर इनको इंटरेस्ट दिया नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को देन इट विल बी टैक्सेबल ओनली एट द रेट फाइव परसेंट से टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन वन और बेटा उस पर टीडीएस कटेगा वो भी फाइव की रेट से कटेगा अंडर सेक्शन वन नाइन तो अंडर सेक्शन वन नाइंटी जो टीडीएस कटेगा वो 5 परसेंट से कटेगा और यहां पे जो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा वो भी 5 परसेंट से होगा तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने क्या किया पैसा दिया किसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इंटरेस्ट मिला दैट इंटरेस्ट विल विली टैक्सेबल एट द रेट फाइव उस पे रेट 5 और टीडीएस कटेगा वन नाइटी में फाइव परसेंट की रेट से अब एक बात समझना दूसरा पॉइंट ध्यान देना क्या अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी है और नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी ने पैसा दिया किसको मिस या तो फॉरेन करेंसी लोन दिया है किसी इंडियन कंपनी को या बिजनेस ट्रस्ट को इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट को फॉरेन करेंसी लोन दिया एंड लोन अग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो लोन अग्रीमेंट बिटवीन फर्स्ट जुलाई 2012 से लेके थर्टीएथ जून 2023 के बीच में लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है या फिर इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इश्यू किए या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इश्यू किए अप टू थाउजेंड जून 2023 तो इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इश्यू किए या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इश्यू किए तो उस केस में क्या होगा गाइस कि इस पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ना नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को वो सिर्फ फाइव की रेट से टैक्सेबल होगा वो ओनली फाइव की रेट से टैक्सेबल होगा इन हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी फाइव परसेंट की रेट से टैक्सेबल होगा और उस पर टीडीएस काटेंगे फाइव परसेंट की रेट से अंडर सेक्शन आपका अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर एल सी करके तो देखो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना सबसे पहला अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को लोन दिया उससे उससे जो जो भी भी करेंसी लोन दिया लाइक इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल टैक्सेबल एट द रेट फाइव परसेंट और टीडीएस कटेगा 194, में 5 के रेट से दूसरा नॉन रेजिडेंट कंपनी ने क्या किया या तो लोन दिया किसको इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट को और अग्रमेंट साइन हुआ है टिल थर्टियत जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री या फिर इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट ने नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को क्या इशू किए रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किए या फिर आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किए करके तो उस पर जो भी इंटरेस्ट

और वो टेन फोर सी का एक्सम्पन क्या था कि मोदी जी के बर्थडे से के और 31 2019 के बीच में इस बीच में रुपी डिनटेटेड बॉन्ड इशू किए जाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा अदरवाइज जो भी को जो मिलेगा, किस पे इंडियन कंपनी से या फिर बिजनेस ट्रस्ट से और अगर यहां पे इस डेट तक आरडीबी है या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू दिया है वो अग्रीमेंट इस पीरियड में दिया है तो उस केस में भैया फाइव परसेंट रेट से टैक्सेबल होगा टीडीएस भी रेट से कटेगा तो ऐसे याद को एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है उन्होंने क्या किया या तो लोन दिया फॉरेन करेंसी लोन दिया और फॉरेन करेंसी लोन किसको दिया इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट को या इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया यहां पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किया है या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किया अब ये डेट याद रहे तो ठीक है नहीं रहे तो ठीक है आप इतना याद रखिए कि इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी से क्या किया है इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी से फॉरन करेंसी लोन लिया आरडीबी इशू किया या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किया तो जो नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट फाइव और उस पर टीडीएस भी फाइव परसेंट की रेट से काटना पड़ेगा लेकिन एक चीज समझना लास्ट ईयर यहां पे एक अमेंडमेंट आया और ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि यहां पे जो टीडीएस रेट एंड टैक्स रेट फाइव परसेंट है ना इसकी जगह फोर परसेंट हो जाएगी अगर ये मनी बोरो किया है, स आउटसाइड इंडिया बाई वे ऑफ इशू लॉन्ग टर्म बॉन्स रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑन और आफ्टर फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टिल थर्टीए जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड विच इज लिस्ट ऑनली इन द रिकनाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेशियल सर्विस सेंटर क्या हुआ कि इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट ने जो भी आरडीबी इशू किया लॉन्ग टर्म बॉन्स इशू किया वो फर्स्ट अप्रेल टू थाउंट ट्वेंटी से लेके और थर्टी फर्स्ट जून थर्टीएत जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के बीच में इशू किया और वो लिस्ट होंगे सिर्फ आई एफ एस सी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में तो यहाँ पे टैक्स रेट है वो फाइव परसेंट की जगह है वो फोर परसेंट हो जाएगी और बेटा जो टीडीएस का रेट है वो भी फाइव परसेंट की जगह फोर परसेंट हो जाएगा अब एक और चीज समझना नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट ये पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई इंटरेस्ट पेबल इंटरेस्ट पे करते हैं हम लोग किसको या तो एफआईआई को या क्यू एफ मतलब है को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टर एंड क्यू एफ आई इस पर इंडियन शेयर मार्केट डिपेंड करता है करके बहुत बार तो एक बात समझना एफआईआई और क्यू है उनको इंटरेस्ट दे रहे और इंटरेस्ट कौन दे रहे है? या तो कोई इंडियन कंपनी दे रही है इंडियन कंपनी दे रही है या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट दे रही है और यहां पे जो इंटरेस्ट दे रहे है, वो कब तक दे रहे हैं थाउजेंड जून 2023 तक तो वो इंटरेस्ट है वो उनके हाथ में टैक्सेबल 5% परसेंट से होगा किसके हाथ में एफ और क्यू के हाथ में और भैया उस पर टीडीएस भी 5% परसेंट की रेट से कटेगा अंडर सेक्शन 194 नाइन्टी फोर एल डी करके वापस से बोल रहा हूं देखो इंटरेस्ट पेबल टू द एफआई क्यू एफ आई को दे रहे फॉर द इन्वेस्टमेंट मेड इन द आरडीबी ऑफ इंडियन कंपनी में इंडियन कंपनी के रूप डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में एफआईआई क्यू एफआई ने इन्वेस्ट किया था और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था इस डेट तक या फिर लास्ट ईयर क्या हुआ कि आपको पता है जो मिनसिपल डेट सिक्योरिटी और इशू की जो इंडिया की बहुत सारी म्यूनिपिलिटी है उन्होंने म्यूनिसपल डेट सिक्योरिटी इशू की तो म्यूनिपिपल डेट सिक्योरिटी में उन्होंने इन्वेस्ट किया था बिटवीन फर्स्ट अप्रिल टू से लेकर थर्टियत जून टू थाउजेंड तो जो भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट द रेट फाइव और इस पर टीडीएस कटेगा फाइव परसेंट के रेट से तो उसको आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर कोई एफआईआई या क्यू एफ आई है उसने इंडियन कंपनी का आरडीबी खरीदा या तो इंडियन कंपनी का आरडीबी खरीदा या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या फिर उन्होंने म्यूनिपल डेट सिक्योरिटी खरीदा तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट द रेट फाइव परसेंट और टीडीएस विल बी विल एट द रेट फाइव परसेंट अब एक और चीज समझना अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट ने क्या किया पता है नॉन रेजिडेंट ने बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया था आप बिजनेस ट्रस्ट वाले टॉपिक को याद करो और बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया था और बिजनेस ट्रस्ट जो है वो बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी में इन्वेस्ट करता था और आपको याद रहेगा एसपीवी से जो भी इंटरेस्ट मिलता था वो बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को दिया और नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर तो उसके इसमें वो इंटरेस्ट फाइव की रेट से टैक्सेबल होता था तो फाइव की रेट से वो इंटरेस्ट टैक्सेबल यहां पर होगा तो अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट ने नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर को इंटरेस्ट दिया तो दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट फाइव परसेंट बट वो वाला इंटरेस्ट जो बिजनेस ट्रस्ट को एसपीवी से मिला था या फिर आपको पता है एसपीवी से जो डिविडेंड मिलता था और एसपीवी ने अगर ट्वेंटी टू परसेंट रेट से टैक्स भरा था एसपीवी ने स्पेशल टैक्स रेट का बेनिफिट लिया था ट्वेंटी टू परसेंट की रेट से टैक्स भरा था तो जब एसपीवी ने ट्वेंटी टू परसेंट की रेट से टैक्स भरा था तो उसके में वो डिविडेंड नॉन रेजिडेंट के हाथ में टेन परसेंट से टैक्सेबल होगा वो इस सेक्शन में होगा और टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर एल एट द रेट फाइव परसेंट और टेन परसेंट तो देखो नॉन रेजिडेंट जो है उसने क्या किया इन्वेस्ट किया था बिजनेस ट्रस्ट ने बिजनेस ट्रस्ट ने इन्वेस्ट किया एसपीयू में एसपीयू से इंटरेस्ट मिला वही इंटरेस्ट अगर पास ऑन कर दिया तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा 5 की रेट से नॉन रेजिडेंट के हाथ में और और डिविडेंड है अगर एसपीबी ने टैक्स भरा था स्पेशल रेट से मीन की, की रेट से तो उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट टेन की रेट से डिविडेंड अब लास्ट पॉइंट यह बोलता है कि अगर मान लो इंटरेस्ट मिलता है किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को या तो गवर्नमेंट से मिलता है या किसी इंडियन कंसर्न से मिलता है ऑन द फॉरेन करेंसी लोन और वो एबीसीडी में कवर नहीं हुआ है देन उस केस में वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा एट द रेट ट्वेंटी परसेंट नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के हाथ में ट्वेंटी परसेंट से टैक्सेबल हो जाएगा अब एक और चीज समझना अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को डिविड मिलता है ना दैट डिविडेंट इज टैक्सेबल एट द रेट ट्वेंटी परसेंट एज वेल एज अगर मान लो कोई भी यूटीआई म्यूचुअल फंड से इनकम मिलती है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल एट द रेट ट्वेंटी परसेंट सो नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को क्या मिलता है या तो इंडिया से कोई डिविडेंड मिलता है या फिर यूटीआई म्यूचुअल फंड से कोई भी इनकम मिलती है

अगर उसका इंडिया में पीई e. है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो तो उस केस में वो रॉयल्टी एफटीएस है वो सेक्शन फोर्टी फोर के हिसाब से जाएगा और उस पर नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगेगा लेकिन अगर उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई भी पीई नहीं है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और उसको कोई रॉयल्टी एफटीएस मिलता है दैट विल भी टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट टेन परसेंट से टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन वन ए तो आप ऐसे याद रखेंगे कि देखो अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी है और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया से क्या मिलता है रॉयल्टी एफटीएस मिलता है या तो गवर्नमेंट से मिलता है या किसी इंडियन कंसर्न से मिलता है और वहां पे अग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था तो उस के रॉयल्टी एफटीएस है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा ओनली एट द रेट टेन परसेंट बट अगर डीटी डबल ए का रेट लोअर होता है तो डीटीडबल ए का रेट और टैक्स रेट वेच एवर इज लोअर वो मोर बेनिफिशियल है वो लेना पड़ेगा तो अगर मान लो डी डबल ए का रेट फाइव है तो यहाँ पे फाइव की रेट से वो टैक्सेबल हो जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया से जो इनकम होती है वो सिर्फ वन वन फाइव ए वाली इनकम है Means या तो उनको क्या मिल रहा है पता है इंटरेस्ट मिलता है डिविडेंड मिलता है रॉयल्टी मिलता है एफटीएस मिलता है अपन ने वही वाले यहां कवर किया है 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 करके ठीक कि या तो क्या मिल रहा यहां पर किसकी बात कर रहा है रॉयल्टी एफटीएस की बात कर रहा है, है। सिर्फ यही वाली इनकम मिलती है और अगर मान लो उनका टीडीएस कट चुका है तो उसके नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है देर इज नो नीड टू फाइल द रिटर्न इन इंडिया इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट सेक्शन वन वन फाइव ए बी वन वन फाइव एबी सेक्शन क्या बोलती है ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ये ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बताए है? पहले इनको इंडिया में डायरेक्टली म्यूचुअल फंड या डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं था तो इन्होंने क्या किया म्यूचुअल फंड का रूट लेते थे और म्यूचुअल फंड के रूट से इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे तो इसके लिए इन्होंने एक सेक्शन डाली थी एबी। और एबी में ये बोला था कि जो ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो लोग क्या करते हैं कि इंडिया में अगर किसी म्यूचुअल फंड यूटीआई में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड यूटीआई में इन्वेस्ट करने से जो भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा इंटरेस्ट का मतलब इनकम मिलेगा बेसिकली इनकम है या एलटीसीजी जो है उस पर सिर्फ टेन परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा यहां ओफो का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी बाहर का फंड है इंस्टीट्यूशन है एसोसिएशन है बॉडी है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एटेब्लिश अंडर द लॉ ऑफ आउटसाइड इंडिया फॉरन कंट्री में वो इनकॉपोरेटेड विच हेज एंटर इन टू अरेंजमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद द पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सो एंड सो सेक्शन एंड सच अरेंजमेंट शुड बी अप्रूव बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी उसको अप्रूव करेगी तो देखो ओफो का मतलब होता है ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बाहर का कोई फंड है इंडिया में किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ म्यूचुअल फंड के साथ उन्होंने अग्रीमेंट किया है और वो क्या कर रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड में या फिर आपके यूटीआई में और म्यूचुअल फंड यूटीआई में जो इन्वेस्ट किया उससे जो भी उनको इनकम होगी इनकम में एक तो इनकम मिल सकती है लाइक इंटरेस्ट डिविडेंट जैसी या एक एलटीसी हो सकता है तो उस पर टैक्स लगेगा वो सिर्फ टेन की रेट से टैक्स लगेगा लेकिन इसमें एक चीज समझना अगर मान लो वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो उसके ऑब्वियसली आपका वन लाख तक टैक्स नहीं लगेगा इन एक्सेस ऑफ वन एट द रेट टेन इन एक्सेस ऑफ द वन लाख उसके में लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पे 15% की रेट से ही टैक्स लगेगा कोई दिक्कत नहीं है एक सेक्शन होती है 115AC 115AC क्या बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है बाहर का उसने क्या किया किसी इंडियन

बट उस कंपनी का अमलगमेशन हो गया और अब उसको जीडीआर है वो नई कंपनी की मिल गई अमलगमेशन के बाद तो क्या उस पर भी ये बेनिफिट मिलेगा लोअर टैक्स रेट का आंसर इज यस उस पर भी मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है एक और चीज समझना है यहां पर अगर जो इनकम है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है नॉन रेजिडेंट को इन्वेस्टमेंट की इनकम में आपका इंटरेस्ट डिविडें होता है ये वाला करके ठीक है और अगर उसमें टीडीएस कट चुका है तो उसको अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट सेक्शन वन वन फाइव ए सी ए अब एक बात समझना है ये सेक्शन नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है ये रेजिडेंट के लिए है लेकिन मैंने यहाँ पे डाली है बिकॉज सिक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए तो वन वन फाइव ए सी सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन है और वो रेजिडेंट पर्सन क्या करता है रेजिडेंट जो एम्प्लॉय है किसी कंपनी का और उसको कंपनी के ईसॉप e में जीडीआर मिल जाती है किसी कंपनी के ईशॉप में जीडीआर मिल जाती है मीस यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई भी ऐसी स्पेसिफाइड इंडस्ट्री होती है जैसे आईटी इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट सर्विस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है और एनी अदर मे बी नोटिफाइड वहां पर जो एम्प्लॉई एम्प्लॉय को अगर ईशॉप में जीडीआर मिल जाती है और वो जीडीआर को बेचने पर एल होता है तो उसको एम्प्लॉय को सिर्फ टेन टैक्स भरना है और होता है उस पर भी आपको टेन टैक्स भरना है दिस पॉइंट यू स्किप नेक्स्ट पार्ट इज इसको आपको ध्यान देना है अब एक चीज समझना यहां पे एक सेक्शन है वो सेक्शन बोलती है दैट इज दन एडी और ये वन वन फाइव एडी दो लोगों की बात करेगी एक तो ये बात करेगी एफ आई आई की एफ आई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एक बात करेगी स्पेसिफाइड फंड की स्पेसिफाइड फंड क्या होता है जो मैंने अभी आपको बताया था वहां पे पता है कि स्पेसिफाइड फंड मीन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी थ्री वाला जो कि आई एफ एस सी में लोकेटे उसके जितने भी यूनिट होल्डर है वो क्या है नॉन रेजिडेंट है उसको मैं बोलूंगा स्पेसिफाइड फंड एक बात बताओ ये जो एफ आई आई और स्पेसिफाइड फंड है पहले मैं एफ आई आई की बात करूंगा तो एफ आई आई केस में देखो अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो तो वहां यहां पे अपन ने देखा था ना यहां पे अगर एफ आई आई कोई इंटरेस्ट मिलता है इंडियन कंपनी से रूपी रुपये बॉन्ड्स पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलता है दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट फाइव परसेंट टी भी फाइव परसेंट की रेट से कटेगा लेकिन अगर एफ आई आई को बाकी कोई इनकम होती है कौन कौन सी तो समझने की कोशिश करना हाँ एफ आई आई को अगर सिक्योरिटी पे कोई इनकम होती है FII को सिक्योरिटी पे कोई इनकम होती है करके किस पे सिक्योरिटी पे कोई इनकम होती है तो दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10% 20% 30% क्या बोला मैंने 10% 20% 30% वापस बोल रहा हूं FII को अगर सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट होती इनकम होती है सिक्योरिटी पे इन in इनकम होती है सिक्योरिटी पे इनकम होती है देन इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10

STCG हुआ तो 30% से टैक्सेबल और अगर इन्वेस्टमेंट मीस इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम हुई तो 20% इसको ऐसे याद रखो 10% 20% 30% 10% थर्टी परसेंट टेन फॉर एलटीसीजी ट्वेंटी फॉर द इन्वेस्टमेंट इनकम एंड 30% परसेंट फॉर द एस टी सीजी और अगर एसटीसीजी ट्रिपल वने वाला है देन ऑब्वियसली इट इज अफ्टीन परसेंट सो मैं पहले बात कर रहा हूं एफआईआई की तो एफ आई आई केस में मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करता एफआईआई के, के केस में मैंने क्या बोला कि एफआईआई को अगर एलटीसीजी होता है दैट इज टैक्सेबल एट द रेट टेन STCG होता है इट इज taxable एट द रेट thirty percent. और अगर इन्वेस्टमेंट इनकम होती है इट इज taxable at twenty percent. और STCG टी सी ट्रिपल बने वाला fifteen percent. ऐसे याद रखो ना ten 10... ऐसा याद रखेगा टेन टेन ट्वेंटी थर्टी बेटर रहेगा टेन इज एलटी जी ट्वेंटी गेन बट वो ट्रिपल वन वाला है तो फिफ्टीन परसेंट यहां परसेंट इन्वेस्टमेंट इनकम जो रहेगी इंटरेस्ट डिविडेंट उस टेन परसेंट ए तुम्हारा एस होगा उस पर थर्टी परसेंट और अगर एस टीसीजी ट्रिपल ही वाला है तो उस पर फिफ्टीन परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा अब एक और चीज समझना है यहां पे लॉ मेकर्स यहां पर यह बोलते हैं कि जो भी ये एफआईआई होता है ना एफआईआई फॉरेन आई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनको जो भी ये एलटीसीजी एस टी सीजी वगैरह जो होते हैं ना ये एल टीसीजीजी वगैरह होते हैं या फिर जो ये डिविडेंड वगैरह का इनकम होता है उसमें ध्यान रखना इनको मैक्सिमम सरचार्ज पंद्रह परसेंट का बिकॉज यहां पर एफआईआई होते हैं वो एओपी बीआई के फॉर्म में होते हैं और जब एओपी बीआई के फॉर्म में होते हैं तो सरचार्ज ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी सेवन परसेंट भी लग सकता है बट गाइज यहां पर उन्होंने क्लेरिफाई कर रखा है कि मैक्सिमम सरचार्ज है वो मैक्सिमम ये जो डिविडेंट इंटरेस्ट का इनकम है डिविडेंट का इनकम है अगर एंड जो एस टी सी जी एल टी सी जी और एस टी ट्रिपल वन है इनपे मैक्सिमम सरचार्ज वो कितना लग सकता है आपका फिफ्टीन परसेंट ही लग सकता है उससे ज्यादा नहीं लग सकता तो देखो मैंने क्या बोला जो एफआईआई के केस में FII के केस में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेना और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिक्योरिटी पे कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड डिविडेंड का इनकम होगा उस उसमें मैक्सिमम सरचार्ज है वो कितना लगेगा 15 परसेंट की रेट से लगेगा उससे ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब स्पेसिफाइड फंड का मतलब वही जो आपके टेन में दे रखा था अब एक चीज समझना स्पेसिफाइड फंड में बेटा इस साल से मैंने बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन है ऑफ द ऑक्सर बैंकिंग यूनिट है वो भी तुम्हारे स्पेसिफाइड फंड की डेफिनेशन में आ जाएगा एक सेक्शन होती है 115 BBA. 115 BBA ये बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन स्पोर्ट्सिएशन नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर है उसको इंडिया से पैसा मिलता है आपको याद रहेगा टीडीएस वाला रिविजन लेक्चर जिसमें मैंने बोला था वन नाइन ई एक्स्ट्रा एक्सट्राइंग आईपीएल में उला ला ला ले, ओ लाला हाँ। तो नॉन रेजिडेंट को अगर मान लो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है वो नॉन सिटीजन भी होना चाहिए वो इंडिया में कोई गेम में पार्टिसिपेट करता है उसके लिए कुछ पेमेंट करते हो या फिर वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पेमेंट करते हो या फिर उसने कुछ आर्टिकल न्यूज पेपर में दिया, उसके लिए कुछ पेमेंट करते हो तो वो ट्वेंटी परसेंट से टीडीएस करता था यहां पे टैक्सेबल भी ट्वेंटी की रेट से हो जाएगा तो ये सेक्शन सेम वही वाली है जहां अपन ने वहां पर बात की थी वो सेक्शन यहां पे आ जाएगी ठीक है अब एक और चीज समझना है यहां पर अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंटरटेनर और इनको ये वाली इनकम ही होती है करके ठीक है जो यहां पे बात की हुई है अगर वही वाली इनकम होती है तो उस केस में अगर उनका टीडीएस कट चुका है तो उनको इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है उनको इंडिया में रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद एक और चीज समझना जो भी मैंने आपको स्पेशल रेट पढ़ाई वन वन फाइव ए लेखे वन वन फाइव ए वन वन फाइव ए बी वन वन फाइव ए सी वन वन फाइव ए डी करके और ये वन वन फाइव बी बी अभी आपको पढ़ाई तो ये जितनी भी स्पेशल रेट पढ़ाई ना एक चीज ध्यान रखना ये स्पेशल रेट्स के सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता मीन ग्रॉस इनकम

ये जितनी भी सेक्शन मैंने आपको बताई वहां पे जहां पे भी कैपिटल गेन का कैलकुलेशन था वहां पे आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा एज वेल एज द फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा मिस फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 एज एज वेल इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा ये जो भी सेक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मैंडेटरी सेक्शन है और एक और चीज समझना स्पेशल रेट्स के सामने कभी भी आपको बेसिक एक्समशन का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलता नो नेक्स्ट पार्ट इस टॉपिक है सेक्शन होती है जो अभी अपन, ने पढ़ी कि नॉन रेजिडेंट के पास में अगर इंडियन कंपनी का बॉन्ड है या जीडीआर है उसको बेचता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट और इनकम होती है इट इज टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट अब एक चीज समझता एक अपन ने कैपिटल गेन में पढ़ा था और कैपिटल गेन में हमने ये पढ़ा था कैपिटल गेन में ये पढ़ा था एक सेक्शन होती है 47 का क्लॉज नंबर 8 ए वो ये बोलती है कि अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को ये, ये सॉ जी डी या बॉन्ड्स ट्रांसफर कर देता है तो उसके इस में इंडिया में कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन नॉन रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर किया तो ही कैपिटल गेन नहीं लगेगा अगर नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन लगेगा रेजिडेंट ने रेजिडेंट को ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन लगेगा या रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर किया तो भी कैपिटल गेन लगेगा यहां पर एनआर ने एनआर को ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा एक और चीज समझना अगर आप क्या करते हो कोई भी बॉन्ड्स या जीडीआर है वो आईएफएससी में कोई नॉन रेजिडेंट है वो क्या करता है आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप ट्रांसफर कर देते हो और कंसिडरेशन है वो आपको फॉरेन करेंसी में मिलता है तो उस पर भी कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा अब एक चीज समझना क्या होता है कि जीडीआर जो होती है ना अगर उसको इंडियन शेयर में कन्वर्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन करनी पड़ती है कि हमारी जो जीडीआर है उसको कन्वर्ट करवा दीजिए इंडियन कंपनी के शेयर में अब एक बात समझना है? जब भी जीडीआर को इंडियन कंपनी के शेयर में कन्वर्ट करवाने के लिए एक एप्लीकेशन करनी पड़ती है और एप्लीकेशन करोगे उसके बाद जीडीआर की बदले आपको इंडियन कंपनी का शेयर मिल जाएगा तो उसके इसमें क्या होता है

डेट का तो जब भी आपने कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन किया था उस डेट का उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था वो फेयर मार्केट वैल्यू वो शेयर का वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा और वही फिर वो शेयर का क्या बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है आपको समझेगा तो आप अच्छे से देख लेना आपको समझ जाएगा चलो अब मैंने जो पढ़ाया ना उसका एक क्विक देता हूं आपको स्पेसिफाइड फंड से रिलेटेड मैंने एक चार्ट बनाया है एक बात समझना स्पेसिफाइड फंड क्या होता है तो स्पेसिफाइड फंड या तो तुम्हारा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी थ्री वाला जो आईएफएससी में लोकेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट डिविजन ऑफ द ओबीन आई एफ एस सी ओबीज ऑप्सोर बैंकिंग यूनिट अब एक बात समझना स्पेसिफाइड फंड होता है ना अगर स्पेसिफाइड फंड की जो यूनिट है वो हेल्ड की हुई है रेजिडेंट मैनेजर ने या स्पॉन्सर ये रेजिडेंट हो सकते हैं या कोई पी ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है ये लोगों ने अगर यूनिट होल्ड की हुई है तो जो भी इनकम होगी वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर जो यूनिट होल्डर है वो ऑल यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट होने चाहिए एक्सेप्शन को कुछ छोड़ के तो वो एक्सेप्शन वाले यूनिट होल्डर का प्रपोर्शन इनकम है वो तो स्पेसिफाइड फंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा नॉर्मल टैक्स रेट से लेकिन जो नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर है उस प्रपोर्शन का इनकम है वो कुछ एक्जेम होता है कुछ टैक्सेबल होता है आप याद करिए मैंने आपको बताया था स्पेसिफाइड फंड की वो चार इनकम एक्जेम्ट होती थी कौन कौन सी एक तो अगर वो स्पेसिफाइड फंड ने वो सिक्योरिटी ट्रांसफर की जो फोर्ट सेवन क्लॉज नंबर सेवन ए बी में दे रखी है ये एक्सेंट हो जाती थी सेक्शन टेन फोर डी में दूसरा मैंने बताया था कि अगर मान लो किसी भी सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं अदर देन इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं और सिक्योरिटी पर अगर कोई भी ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन होता है वो एक्जेम्ट हो जाएगा अदर देन इंडियन कंपनी के शेयर उसके बाद मैंने बताया था अगर आपको कोई डिविडेंड इंटरेस्ट का इनकम मिलता है ऑन द सिक्योरिटी इश्यूड बाय नॉन रेजिडेंट वो भी एक्जेम हो जाएगा और मैंने बोला था पीजीबीपी इनकम होती है जो सिक्योरिटा ट्रस्ट की वो भी हो जाएगा तो मैं बताऊं ये चार चीजें वापस मैंने यहां ग्रीन में बता रखी है देखो कि अगर कोई स्पेसिफाइड फंड है और वो स्पेसिफाइड फंड को क्या होता है सबसे पहले सबसे पहली चीज अगर कैपिटल गेन होता है किस पे कैपिटल गेन होता है सिक्योरिटी रेफर्ड अंडर सेक्शन 47 का क्लॉज नंबर सेवन ए बी और उन पे जो कैपिटल गेन है वो एग्जेमट है अदर सिक्योरिटी पे अगर कोई कैपिटल गेन है वो भी एक्जेम्ट है लेकिन अगर मान लो शेयर ऑफ द इंडियन कंपनी है इंडियन कंपनी के शेयर बेचने से कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल होगा और गाइस कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा अभी सेक्शन वन एडी में मैंने बताया था एक तो तुम्हारा क्या बोला था वन वन एडी में एफआईआई और आपका स्पेसिफाइड फंड और स्पेसिफाइड फंड के लिए मैंने बोला था 10 10 10 आपका 10 10 30 करके 10% लॉन्ग टर्म हुआ तो 10% करके ठीक है उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका ट्रिपल बने वाला है तो फिफ्टीन परसेंट और बाकी वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थर्टी परसेंट

आप बोल रहे हो कि स्पेसिफाइड फंड को जो भी इनकम होगी जिसमें फुल रेट तो से टैक्सेबल होगी नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगी हो बट कैसे अपन इनकम को कैसे प्रपोर्शनेटली बांटेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है फॉर्मूला याद रह ले तो ठीक है नहीं रहे तो ठीक है यह फॉर्मूला क्या बोलता है यह फॉर्मूला बोलता है कि अगर कैपिटल गेन को कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे तो कैपिटल गेन को प्रोपोर्शनेट करने के लिए सबसे पहले ले लीजिए आपका कैपिटल गेन कितना है उसको मल्टीप्लाई करिए एग्रीगेट ऑफ डेली असेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम एग्रीगेट ऑफ डेली असेट अंडर मैनेजमेंट हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजीशन टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिवाइड करिएफ द डेलीफाइड ऑफ एक्विजीशन टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अगर मान लो कोई कैपिटल कर दी किसने तो स्पेसिफाइड फंड गेन होगा वो गेन में देखो जितना नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर है उनके प्रपोर्शन वाला जो गेन है वो गेन या तो एक्जेक्ट होगा या रीजनेबल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा एस पर दिस चार्ड और बाकी वाला नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा तो सर कैसे आप उसको प्रपोशन करेंगे तो एक काम करो पहले कैपिटल गेन कितना हुआ उसको मल्टीप्लाई करो कि आपका एग्रीगेट करो डेली असेट अंडर मैनेजमेंट डेली कितना था उसको आप एग्रीगेट करिए जो नॉन रेजिडेंट होल्ड करता था

अब एक और चीज समझना अगर ये तो कैपिटल गेन की बात होगी लेकिन सिक्योरिटी पे अगर कोई इनकम होती है जैसे डिविडेंड और इंटरेस्ट है या पीजीबीपी फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है तो आप एक काम करिए सबसे पहले इनकम ले लीजिए और यहां पर आपको एग्रीगेट नहीं करना यहां पर आपको यह देखना स्पेसिफाइड उस उस फंड का टोटल

है, वो आपकी एक्सम होगी या स्पेशल रेट से कम रेट से टैक्सेबल होगी बाकी वाली जो इनकम है वो आपकी नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगी होप्स आपको समझ में आया होगा मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, चलिए यहां पे ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है कि सर एक बात बताओ आपने जो वोडाफोन वाला अभी जो केस लो बताया था वोडाफोन के केस में मैंने क्या बताया था कि फॉरेन कंपनी जो होती है अगर वो फॉरेन कंपनी क्या करती है कि अपने फॉरेन कंपनी जो है वो अपने शेयर की वैल्यू डिराइव करती है इंडियन डिट से तो फॉरन कंपनी के जो भी शेयर बेचोगे उस पर कैपिटल गेन है वो इंडिया में लग जाएगा करके ठीक है लेकिन एक बात बताओ यहां पर पता कैसे चलेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा जो इंडियन सब्सिडी कंपनी है ना उसको यह इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक इंफॉर्मेशन देंगे इन द फॉर्म नंबर फोर्टी डी में देंगे और फॉर्म नंबर फोर्टी डी में वो इफॉर्मेशन देंगे भाई

फॉरन कंपनी के शेयर ट्रांसफर होने से इंडिया का मैनेजमेंट और कंट्रोल राइट right भी ट्रांसफर हुआ है शेयर ट्रांसफर करने से जो इंडियन कंपनी है उसका मैनेजमेंट और राइट मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर हुआ है तो, तो उसके में टू परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू का पेनल्टी लगेगा बट अगर मान लो मैनेजमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ मैं सबस्टेंशियल शेयर ट्रांसफर नहीं हुए तो उसके में क्या होगा फाइव लाख रुपए तक का पेनल्टी लगेगा तो देखो मैंने क्या बोला अगर फॉरन कंपनी जो है वो अपने शेयर की वैल्यू डिराइव करती है इंडियन असेट से और फॉरन कंपनी के शेयर बिकते तो इंडियन कंसन जो है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा

एच एस बी सी अब एक बात समझनांग है ना इनका इंडिया में एक ब्रांच है जिसको एच एस बी सी मुंबई ब्रांच एच मुंबई ब्रांच अब इनकी जो मुंबई ब्रांच है वो ब्रांच है मिस फॉरेन बैंक का एक ब्रांच है अब एक बात समझना इनको अलाउ किया कि आप एक काम करिए जो फॉरेन बैंक है एच एस बी सी उनकी ब्रांच है एच मुंबई ब्रांच इस मुंबई ब्रांच को आप इंडियन कंपनी में कन्वर्ट कर लीजिए इंडियन कंपनी में क्या कर लीजिए कन्वर्ट कर लीजिए तो अब क्या हो जाएगा मान लो इनका नाम हो गया एच मुंबई प्राइवेट लिमिटेड और यह बन जाएगी इस फॉरेन बैंक की सब्सिडरी कंपनी क्या बन जाएगी फॉरेन बैंक की सब्सिडरी कंपनी तो एच एस बी सी हांगकॉग एक फॉरेन की बैंक है जो मेन कंपनी है उनकी मुंबई में एक ब्रांच थी एच की उन्होंने बोला इस ब्रांच को आप एक काम करिए जो ब्रांच है ना इस ब्रांच को आप इंडियन कंपनी में कन्वर्ट कर लीजिए इस ब्रांच को आप इंडियन कंपनी में कन्वर्ट कर लीजिए हम आपको कैपिटल गेन वगैरह नहीं लगाएंगे मिस ब्रांच की जो लगाएंगेट होती है वो तो हेड ऑफिस की की होती है मिस जो भी ब्रांच की असेट थी वो तो इस हेड ऑफिस की असैट थी अब यहां पर कंपनी बदल गई तो कंपनी तो अलग अलग अस सी होते हैं तो इन्होंने जो इसको ट्रांसफर की सब अट उस पर कोई कैपिटल गेन वगैरह नहीं लगेगा इसको लेके एक एक्समिशन दी है ये एग्जामिशन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना ऑल पीपल जस्ट पेटेंशन तो फॉरेन कंपनी एक्साम्पल के लिए यहां पर अपने ले रहे फॉरन बैंक दट इज एच एस बी सी हॉंग एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग कन्वर्ट इट्स इंडियन ब्रांच इन टू दब्सिडी कंपनी कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन वुड बी Not taxable, means it will not, capital gain taxable नहीं होगा मीन यहां पर जब यह कन्वर्ट हुआ तो यह जब भी कन्वर्ट होगा तो क्या होगा जो भी असेट होगी वो एच एस बीसी हॉन्गकॉन्ग की ब्रांच की असेट एच एस बीसी हॉंगकॉन्ग की थी वो इस कंपनी को ट्रांसफर हुई ट्रांसफर नहीं माना जाएगा इसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा बट बेटा यहां पर कुछ कंडीशन है पांच कंडीशन फर्स्ट कंडीशन यह है कि भैया ये जो अमल गमीशन का स्कीम है ना दिस अमल गमीशन का स्कीम That amalgamation स्कीम इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द एच एस बी सी is एंड इट इज RBI. बाय द आरबीआई आरबीआई इस प्लान को सेंक्शन करेगी और ये अप्रूव्ड हुआ था एच एस बी के केयर होल्डर द्वारा दूसरी कंडीशन यह है कि ऑल एंड लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफर होनी चाहिए तीसरी कंडीशन यह है कि एंड लाइबिलिटीज है बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए किस पे होनी चाहिए बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए री को कंसिडर नहीं किया जाएगा चौथी कंडीशन यह है कि जिस डेट को यह कन्वर्जन हुआ ना जिस डेट को यह एच एस बी सी मुंबई ब्रांच एच एस बी सी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड बनी उस डेट से उस प्रीवियस ईयर के एंड तक 100 परसेंट शेयर है इस कंपनी के वो एच एस के पास होने चाहिए 100 परसेंट एंड नेक्स्ट फाइव तक ये जो शेयर है वो एटली वन परसेंट शेयर होल्डिंग है वो एच एस बीसींग के पास होने चाहिए जैसे फॉर एन एक्साम्पल हुआ तोर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक जो है वो हंड्रेड पर शेयर है वो इस सब्सिडरी कंपनी के इसके पास होने चाहिए एच एस के पास और फिर नेक्स्ट फाइव ईयर नेक्स्ट फाइव ईयर में मैं बता दू आपका थर्टी फर्स्ट मार्च 2027 तक 51 परसेंट या उससे ज्यादा के शेयर है वो एच एस के पास होने चाहिए और लास्ट कंडीशन ये है कि भैया यहां पर जैसे ये ब्रांच है वो कन्वर्ट होती है एच प्राइवेट लिमिटेड में एच मुंबई प्राइवेट लिमिटेड में तो एच मुंबई प्राइवेट लिमिटेड है ना वो क्या करेगी अपने शेयर इशू करेगी किसको एच एस बी सी को मीन शेयर ही कंसिडरेशन मिलना चाहिए और कोई कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए मीन्स इंडियन सब्सिडरी कंपनी जो उन्होंने बनाया उसका सिर्फ जो है वो शेयर मिलना चाहिए शेयर को अलावा और कोई कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है सर चलिए ये तो बात हो गई बहुत बढ़िया वाली बात करके ठीक है कि ये पांच कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन क्वेश्चन यहां ये आता है कि सर एक बात बताइए सर इस साल का किसको अलाउ होगा क्योंकि ब्रांच जो है वो एक अलग पर्सन था ब्रांच तो हेड ऑफिस के साथ ही अकाउंट होता है लेकिन अब ये अलग कंपनी बन गई तो सर उस साल का किसको मिलेगा करंट ईयर का किसको मिलेगा तो आप एक काम करिए करंट ईयर के को आप ऐसे कैलकुलेट करिए जैसे अमल गमेशन हुआ ही नहीं है करंट ईयर के डेप्रिशिएशन को आप ऐसे कैलकुलेट करिए जैसे अमल गमेशन हुआ ही नहीं है और जो भी डेप्रिशिएशन आता है ना वो आप प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दीजिए इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज असैट यूज्ड बाय देम मिस जितने जिसने, जितने दिन असेट यूज की, उस रेशियो में, के बीच में. Not, yes. अब पे पे क्वेश्चन के अप्रोप्रिएटेड कोई लॉसेस थे तो क्या लॉसेज भी कंपनी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी यानी आंसर इज यस ये कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बिजनेस के लॉसेज जो भी तुम्हारे पीजीबीपी के लॉसेस है पीजीबीपी में भी ध्यान रखना स्पेक्युलेटिव बिजनेस को छोड़ के जीबीपी के लॉसेस है एंड अनएब्सोर्ब डेप्रीसिएशन है वो जो ब्रांच आपकी बनाई है ब्रांच से जो सब्सिडरी कंपनी बनाई है वो सब्सिडरी कंपनी उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी और यहां पीजीबीपी के लॉसेस के केस में फ्रेश एट ईयर का टाइम मिलेगा फ्रेश एट ईयर का टाइम है वो मिल जाएगा लेकिन सर एक बात बताइए ऑफ क्या लेंगे तो डब्ल्यूडीवी ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ले लेंगे कि जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था कन्वर्जन की डेट तक कितना उसका डेप्रिशिए प्रोपोशनेल लेस कर दीजिए लेस करने के बाद जो भी डब्ल्यूडी बचेगी वो डब्ल्यूडीवी है वो उस सब्सिडरी कंपनी की डब्ल्यूडी भी बन जाएगी अब एक बात बताओ कोई डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट था वो एज इट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो उस न्यू सब्सिडियरी कंपनी के लिए आ जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो पुराने से लेंगे मींस जब ब्रांच ने खरीदा था तब से उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा मैट क्रेडिट अब एक बात बताओ

क्या इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो लोगों के पैसे मैनेज करते हैं दैट फंड्स करके वो फंड्स को मोदी जी ने बोला हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ये फंड जितने भी है ये रीलोकेट हो जाए कहां पे पता है ये रीलोकेट हो जाए आईएफएससी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में तो उन फंड्स को बोला कि आप जो फंड है ना उस फंड को आप रीलोकेट कर दो आईएफएससी में और जब आप आईएफएससी में रीलोकेट करेंगे तो उस केस में आप उस फंड की सब असेट है वो नए वाले फंड को ट्रांसफर करेंगे जो आई में लोकेटेड होगा फंड उसको ट्रांसफर करेंगे उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा उसपे कैपिटल गेन नहीं लगेगा अब एक बात बताओ वो पुराने फंड के जो यूनिट होल्डर शेयर होल्डर रहेंगे उनको नए फंड की यूनिट और शेयर मिलेंगे तो उनको भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा ये एक्जेम्पन यहां पर दे रखी है अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है ओरिजिनल फंड किसको बोलेंगे ओरिजिनल मिस वो पुराना वाला फंड जो कि फॉरेन कंट्री का फंड है करके ठीक है जो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है जो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है और उस कंट्री का रेजिडेंट है, है, उस है उसको ओरिजिनल फंड एक रीलोकेशन का मतलब क्या होता है कि का मतलब उस फंड को इंडिया में ला रहे और इंडिया में नया फंड बना रहे और नया फंड कौन सा होगा पता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी वन टू थ्री वाला ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी वन टू थ्री वाला और जो आई में लोकेटेड है वो वाला फंड होगा अब एक चीज समझना यहां पे क्वेश्चन ये आया कि दो चीजें होगी एक तो पुराना फंड क्या करेगा जितनी भी उसकी एसेट्स वगैरह है वो नए फंड को ट्रांसफर करेंगे तो उस केस में ये ट्रांसफर जो है ये कैपिटल गेन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा ये सेक्शन 47 सेवन क्लॉज नंबर सेवन ए में एक्सामेशन दे रखी है कि ट्रांसफर इन रिलोकेशन ऑफ कैपिटल ऑरिजिनल फंड टू द रिजल्टेंट फंड कैपिटल गेन नहीं लगेगा और दूसरा जो भी शेयर होल्डर है या यूनिट होल्डर है वो पुराने फंड या शेयर के बदले उसको नए फंड की यूनिट मिलेगी तो उस केस में क्या कैपिटल गेन लगेगा आंसर इज नो यहां पे कैपिटल गेन

कि अगर कैपिटल गेन होता है अराइजिंग और रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट और स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड फंड का मतलब होता है आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी थ्री वाला अगर कैटेगरी थ्री वाला जो नया फंड बनाया है या फिर नॉन रेजिडेंट क्या होता है नॉन रेजिडेंट यहां वर्ड क्यों यूज किया उसके पीछे रीजन ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी वन और टू के, के केस में आपको पता है कैपिटल गेन किसके हाथ में टैक्सेबल होता है यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है ना आपने इन्वेस्टमेंट फंड वाला टॉपिक देखा था इन्वेस्टमेंट फंड वाले टॉपिक में आपको पता है पीजीबीपी को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम होती है वो सब यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है तो यहाँ रेजिडेंट यूनिट होल्डर इन केस ऑफ्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू तो देखो क्या लिखा है मैंने कैपिटल बाय रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ऑफ्टर इन्वेस्टमेंट फंड वन और टू के जो यूनिट होल्डर है वो या स्ेसिफाइड फंड मे कैटेगरी वाला थ्री वाला On transfer of share of a company resident in India by the रिजल्टेंट fund स्पेसिफाइड फंड टू द एक्सटेंट एट्रीब्यूटेड टू यूनिट हेल्ड बाई नॉन रेजिडेंट नॉट बिंग नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिक्राइब एंड सच शेयर वर ट्रांसफर फ्रॉम ओरिजिनल फंड फ्रॉम द इट्स ओनली ऑन स्पेशल पर्पज वेहकल टू द रिजल्टेंट फंड और इन रीलोकेशन एंड वेयर कैपिटल गेन ऑन सच शेयर वर नॉट चार्जेबल टू टैक्स इफ रीलोकेशन है इसको आप याद रखेंगे जरूर इतना है याद रहे तो ठीक है नहीं रहे तो ठीक है एक बा ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो जो ओरिजिनल फंड था उसके बाद रिजल्टेंट फंड बना मतलब नया फंड बना नए फंड के पास कोई इंडियन कंपनी के शेयर है इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर है और उसको शेयर को बेचने से अगर कैपिटल गेन होता है वो कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगेगा अगर वो पुराना फंड होता तो पुराने फंड को अगर टैक्स नहीं लगता तो जो नया फंड है उसको भी टैक्स नहीं लगेगा ऐसा उन्होंने एग्जामिशन दिया है याद रहता है तो ठीक है नहीं रहता है तो ठीक है तो यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है कौन सा वाला जो है, वो हो जाता है। मैंने इसको बहुत ज्यादा टाइम लिया करके ठीक है चार पांच बार रिपीट कर करके आपको टॉपिक को रिवाइज कराया नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन को ठीक है चलिए <laughs> तो मैं आपको एक बात बताऊं हमारा तो काम हो गया पूरा अब है भैया आपकी बारी करके ठीक है आप इसको कितना अच्छे से करते हो कितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करते हो कितने अच्छे मार्क्स लाते हो उस पर डिपेंड करेगा और लाइफ में एक चीज़ तो है ही है मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि अब आप यहाँ तक आ ही गए हो ना देखो सी ए फाइनल तक जब आप आ ही गए हो ना तो जस्ट क्रैक इट इसको कंप्लीट करिए मैं ये नहीं बोलता कि सी ए बनने के बाद आपको जॉब ही करना है या प्रैक्टिस चालू करनी है यू कैन डू एनी थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू आजकल तो लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना के और वो उसमें भी पैसे अच्छे खासे कमा लेते हैं तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं बट सी ए एक ऐसी डिग्री है ना जो आपको एक प्लेटफॉर्म देगी इस डिग्री के दम पे आप महीने का कम से कम है वो पचास साठ हजार सत्तर हजार है वो कमा सकते हो आप लाइफ में कुछ भी रिस्क लोगे ना तो वो रिस्क लेते टाइम आपको डर नहीं रहेगा क्योंकि अगर आप फेल भी हो जाते हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम सी ए कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे मैंने जब टीचिंग चालू किया तो मुझे बहुत डर था मुझे बहुत सारे लोगों ने भी बोला था टीचिंग में ऐसे थोड़ी नाम बनता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर के ठीक है टीचिंग में बहुत बड़े बड़े इंडिया में नाम है ये है तुम्हारा कहाँ नाम होगा अगर के ठीक है तुमको आता क्या है बहुत सारे लोग बोलते थे लेकिन मैं हमेशा अपने आप से ये एक चीज बोल देता था कि यार देख यार मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं मैं अपने आप से बहुत ज्यादा बात करता हूं तो मैं अपने को आपको बोलता था कि देख बीबी यार तू ये है एटलीस्ट अगर तू ट्राई कर ले हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जॉब तो कर ही लेंगे और जॉब करेंगे तो पचास साठ हजार तो कोई भी दे देगा ये जो सिक्योरिटी है ना ये जो श्योरिटी है ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ ये डिग्री दे सकती है और वो अभी आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है सो जस्ट ग्रैब इट करिए उसको आप फटाफट ले लीजिए मेहनत करिए और उसके बाद की लाइफ मैं बता रहा हूँ सब सच में अच्छी है आप भले कुछ बोलो ना बोलो बट सी ए बनने के बाद की जो लाइफ है वो लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा अच्छी है ओब स्ट्रगल तो लाइफ में टेंशन तो कम होने ही नहीं वाला है करके ठीक है आपको लगता है कि नहीं नहीं इसके बाद में बट वो ठीक है वो नॉर्मल टेंशन है जॉब करना या सब चीज़ें मिल जाती है धीरे 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 सब चीज़ें मिल जाती है कोई दिक्कत नहीं है सो जस्ट क्रैक इट उसको फटाफट कंप्लीट करिए एफर्ट लगाइए मैंने भी अभी ये, ये आपके लिए अप्रॉक्स तीन घंटे का लेक्चर हो गया तीन घंटे का लेक्चर मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है ये तीन घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे भी कम से कम आठ से दस घंटे का एनर्जी है वो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है व्हेन इट्स कम्स टू तो द रिवीजन लेक्चर बिकॉज इतना बड़ा टॉपिक और उसको तीन घंटे में मैंने ट्राई किया था मैं ट्राई कर रहा था दो घंटे में हो जाना चाहिए बट नहीं हुआ सो so गाइज मेहनत तो करनी पड़ेगी पढ़ना तो पड़ेगा बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता और लाइफ में जो आप चाहते हो ना देखो हमेशा यही चीज़ होती है खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है बहुत बार लोग बोलते हैं अपने को, हर कोई चाहता है कि हमको ये करना है करके ठीक है हर कोई चाहता है कि यार हमारे घर में भगत सिंह मतलब पैदा होना चाहिए बट अपने घर में नहीं बाजू वाले के घर में ऐसा नहीं हो सकता ना आपको खुद को एफर्ट लगाने पड़ेंगे खुद को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा खुद को अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा तभी तो चीज़ें मिलती है कुछ ना कुछ करके ठीक है

बहुत कम लोग करते हैं आप कर लिया करो करके ठीक है लाइक like, डिसलाइक जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस वीडियो से कुछ ना कुछ एनहांस हुआ है तो आप कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो कोई बात नहीं ठीक है चलिए थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड सी यू आफ्टर बिकमिंग चार्टेड अकाउंटेंट मीन्स फटाफट सी बनो और उसके बाद में हम आपको मिलने वाले थैंक्स अलॉट पीपल